start. ओके हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस कमाल के लाइव सेशन में जो कि आज क्लास ट्वेल्थ के लिए अरेंज किया गया है सो दोस्तों जल्दी से आ जाइए आप ही लोगों का इंतजार है आप लोगों के लिए जैसा कि कहा था कि ट्वेल्थ क्लास वालों अब आपकी बारी है इलेवेंथ की बारी पहले आ चुकी है तो सभी का टेंथ ख्याल रखते हुए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लाइव सेशन और आप सभी आते जा रहे हैं जल्दी से आ जाइए लाइव आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आराम से अच्छे से आ रही है आपके कानों में मेरी आवाज अच्छे से जा रही है कि नहीं और आपको मैं सही दिखाई दे रहा हूं कि नहीं कि आपकी आंखें मुझे देख पा रही हैं कि नहीं जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ से रिलेटेड कोई टेक्निकल आपको इश्यू नहीं आ रहा है सो so, जल्दी से बच्चे आते जा रहे हैं एक बार मुझे थम्सअप देके ना ऐसे ऐसे थम्सअप दे के मुझे बता दो कि आप लोगों को आवाज सही आ रही है आप लोगों को मैं दिखाई ठीक से दे रहा हूं कि नहीं सो so, ये सारी बातें मुझे अभी आप बता दें ताकि मैं जल्दी से स्टार्ट करूं क्लास ट्वेल्थ वालों आई एम नॉट गन वेट फॉर यू ठीक है यार मैं मतलब अब मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि आप लोगों को आने का क्योंकि मुझे बाकी बच्चों का भी ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है यार इट्स अ वेरी प्रेशियस टाइम प्रेशियस मोमेंट्स एग्जाम से कुछ दिन पहले के ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है आप सभी के लिए सो so प्लीज जल्दी से आ जाइए क्लास ट्वेल्थ वालों जल्दी से आ जाइए थम्स अप दे दीजिए मैं थम्स अप देख पा रहा हूं राहुल आ, मैं बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं ऋतिका वैभव कार्तिक वेरी गुड वेरी गुड कीप कॉमेंटिंग ओके सब लोग कुछ लोग ऐसे थम्सअप भी दे रहे हैं वेरी गुड चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ सो so, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आ गए हैं और 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 जो नहीं आया है ना उसको भी ये लाइव सेशन अभी तुरंत शेयर के ऑप्शन पे प्रेस करके उसको भी शेयर कर दें और आते ही पहले लाइक कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि भाई डियर सर का लाइव है आपका हमारा और एक खास लाइव होने वाला कि स्पेशल लाइव होने वाला है आज के लाइव में आपको क्या मिलेगा ध्यान से सुनिए दोस्तों आज 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 मैं बात करने वाला हूं ट्वेल्थ क्लास की जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो उसकी फ्लेमिंगो के हम कुछ चैप्टर्स करेंगे फ्लेमिंगो के टोटल देखा जाए तो आठ चैप्टर्स हैं आपके जो आ रहे हैं जो प्रोज है आपकी एट चैप्टर्स हैं तो so, मैं क्या करने वाला हूँ उसमें उस से मैंने सोचा कि एक बार में अगर कराऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाएगा सो so, मैंने क्या करा है मैंने ये प्लान किया दोस्तों आपके लिए कि आज हम चार चैप्टर करेंगे और नेक्स्ट लाइव में चार चैप्टर कर लेंगे ताकि पढ़ाने में पढ़ने में दोनों में मजा आए और आपका जो माइंड है उसको आराम से ग्रेस कर पाए और आप उसे कंटेन कर पाओ ये नहीं कि मैं एक साथ चला जा रहा हूं दो तीन घंटे और आप भी सर पकड़ के बैठे हो नहीं 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 हम थोड़ा स्मार्टली साइंटिफिकली काम करने वाले हैं

बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे मेरा भरोसा मेरे, मुझे पूरा भरोसा इस बात पे, आप भरोसा रखो ठीक है, so, के, के, है। यह सोचते हुए तो जल्दी से बताओ स्टार्ट कर क्या जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी वेरी गुड अच्छा लाइव सेशन को देखो आ, आती ना लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग आ गए हो अपनी हाजिरी लगा दी है कुछ सवाल आ रहे हैं जो कि आएंगे मैं पहले एक बार में ही जवाब देकर उनका खत्म कर देता हूं कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्लास टेंथ का लाइव सेशन कब होगा टेंथ वाला आपका ट्वेंटी सेवेंथ को पेपर है ट्वेल्थ का ट्वेंटी फोर्थ को पेपर है तो आपका तीन दिन बाद है तो थोड़ा सा इसलिए 12th का मैंने पहले किया आपका भी अगले दो तीन दिन के अंदर लाइव सेशन आपके भी स्टार्ट हो जाएंगे आपको द प्रपोजल की वीडियो मिलेगी आ, कल परसों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रपोजल की वीडियो भी अपलोड करवा दें ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है तो वो आपको मिल जाएगी टेंथ क्लास वालों आपके भी बाकायदा बिल्कुल सेपरेटली लाइव सेशन चलेंगे अभी आपके लिए ना हमारे चैनल पर डियर सर इस चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो टेंथ वालों आप लोग तो आप, तो आप नहीं देख रहे हो नुकसान हो जाएगा बाबू इसको देखो अच्छे से देखो इनको अच्छे से देख लोगे ना सो तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लिटरेचर पे कमांड हासिल हो जाएगी और फिर लाइव सेशन तो मैं आपके भी कराऊंगा टेंथ वालों तो ये जरूर देख लो अलग से प्ले है ये सारे चैप्टर्स बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं तो इनको जरूर देखो प्रपोजल और ऑर्डर वाला रहेगा वो भी आपको अपलोड हो जाएगा अपडेट कर दूंगा ठीक है और साथ ही आपके लिए ना आपके लिए जितना भी आपका राइटिंग सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन है उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई प्लेलिस्ट है तो वो सब लोग अभी देखो जाके प्रैक्टिस शुरू करो और लाइव सेशन में तो मैं आपके सामने खड़ा हो ही जाऊंगा ठीक है साथ नहीं छोड़ेंगे भाई अगला एक महीना मेरा अब आपका है

जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है द लास्ट लेसन जितने भी क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर्स हैं इतने मजेदार हैं, इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने रिलेटेबल हैं कि आपको उन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है आज वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है जिनको कुछ नहीं आता है वो भी पढ़ के जाएंगे उनको भी स्टोरी याद रहेंगी कीवर्ड्स याद रहेंगे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे तो बिल्कुल दिमाग से टेंशन हटा के पढ़ना बिल्कुल टेंशन हटा के देखो मुझे टेंशन में काम नहीं होता मैं चाहता हूं आप भी टेंशन में कोई काम ना करें बिल्कुल मस्त होकर पढ़ेंगे हम ठीक है चलो जी एक लास्ट बार में कॉमेंट की तरफ निगाह मार रहा हूं उसके बाद फिर हम चैप्टर शुरू करने वाले आ, अच्छा ठीक है टेंथ क्लास टेंथ क्लास आपका लाइव होने वाला है मैं बता तो रहा हूँ एक दो दिन में आपके भी लाइव स्टार्ट हो जाएंगे डोंट वरी अबाउट इट मैं पहले इस बारे में बता चुका हूँ आपको ओके नेक्स्ट थिंग टेंथ वालों आप लोगों को तो टेंशन की जरूरत नहीं है इतना जितना मैंने आप लोगों के लिए गया ना मेरे बच्चों उतना तो बेचारे इलेवंथ और ट्वेल्थ वालों के लिए भी नहीं हुआ लेकिन अब उनके लिए भी इसीलिए कर रहा हूं कि उनको ऐसा ना लगे सर हमारे साथ सुतेलापन हो गया और हम आपके सगे बच्चे नहीं है क्या नहीं ज्यादा लंबा देखो बहुत लंबा लाइन में इसको नहीं करने वाला चलो अब शुरू करते हैं शुरू करते हैं थोड़ा पानी पी लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो एंड देन वील स्टार्ट कमेंट्स पे मेरी नजर है ओके okay. ये हम इस तरह का लाइव रखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा लंबा ना रहे इसमें सिर्फ काम की बातें होंगी जितनी मुझे बातें करनी थी मैंने अब स्टार्टिंग में कर ली है उसके बाद अब बस सिर्फ काम की बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे दोस्तों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अब आप इतने समझदार हो इतने इंटेलिजेंट हो कि आप कॉमन सेंस बड़े आराम से लगा लेते हो कि द लास्ट लास्ट लेसन का मीनिंग क्या निकलेगा मीनिंग क्या निकलेगा मेरा आखिरी लेसन यानी लास्ट लेसन लास्ट लेसन यानी किसी भी किताब का किसी भी क्लास का एक लास्ट लेसन होगा अब ये कहानी क्या है ये कहानी आपकी कहानी है बिल्कुल आप इससे रिलेट कर पाओगे भाई अभी आप लोग ट्वेल्थ में हो ना ट्वेल्थ में जितने भी बच्चे हैं ट्वेल्थ में चाहे सरकारी के हो या प्राइवेट के सबकी ना एक्स्ट्रा सबकी फेयरवेल जरूर होती है फेयरवेल सबकी हुई होगी अब सरकारी स्कूल वाले कमेंट करेंगे सर हमारी फेयरवेल नहीं हुई अरे बच्चों आप लोग होते होते इतने शैतान हो आप लोग की फेयरवेल करते हुए ना टीचर्स भी डरते हैं <laughs> लेकिन मोस्टली क्या होता है ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की फेयरवेल जरूर होती है क्योंकि अब उनका स्कूल खत्म होने वाला होता है उनकी एक लाइफ एक पीरियड बिल्कुल खत्म होने वाला होता है एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली होती है होता है कि नहीं फेयरवेल होती है ना आप लोगों की भी क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आपके स्कूल खत्म हुए आपकी छुट्टियां भूल गई होंगी मोस्टली की तो आपको बिठाया गया होगा एक जगह क्लास के अंदर

नो वाले मैं बता रहा हूं तुम 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 शैतान बच्चे हो तुम स्कूल ही नहीं गए होंगे लास्ट डे पे तो तुमसे बातें किसने की होंगी हम हमारे मुझे याद आता है मैं लास्ट डे जब अपने स्कूल में था ना तो हमारे टोटल बच्चे आएंगे अब दस पंद्रह बच्चे आए थे लास्ट डे को तो गवर्नमेंट स्कूल में खासतौर से बच्चे शैतान होते हैं चलो प्राइवेट स्कूल्स में तो मोस्टली एक फेयरवेल ज़रूर होती है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ठीक है तो भाई अब टीचर क्या करते हैं वो बातें भी करते हैं जो बातें वो पूरे साल नहीं आपसे करते हैं। लेकिन उस दिन जरूर करते हैं जिस दिन आपका लास्ट डे होता है स्कूल का बैठते हैं आपसे बातें करते हैं। कहते हैं बेटा मैंने तुझे पूरे साल मारा जरूर है लेकिन तू बड़ा बड़ा समझदार बच्चा है बड़ा स्मार्ट है ऐसे किसी कहते हैं बेटा मेरी तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता था मैं मैं तुम पे ज़्यादा ध्यान देता था लेकिन मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो बहुत काबिल बच्चे हो इस तरीके से बातें होती थी ये ये होता है ये होता है मेरा फोन ना मैं इसको साइलेंट करता आई एम सो सॉरी है फ्रांस के टीचर थे उनका लास्ट लेसन कैसे था उनके स्कूल में ये नहीं हो रहा था कि ट्वेल्थ के बाद अब बच्चों की लाइफ दूसरी होने वाली थी अब उनका स्कूल खत्म होने वाला था इस वजह से लास्ट लेसन था नहीं ऐसा नहीं था बल्कि क्या हो रहा था कि वहां पे वो फ्रेंच लैंग्वेज ही खत्म हो रही थी वो उस फ्रेंच लैंग्वेज का ही लास्ट लेसन था ऐसे मान लो कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं इतने सालों से इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं ढेर सारी वीडियोस बनाता हूं सब कुछ है और अचानक से इंडिया में एक ऐसा रूल आ जाए कि अब से इंग्लिश इंडिया में नहीं पढ़ाई जाएगी अब सोचो मेरा क्या होगा मैं आपके पास आऊंगा मेरा दिल बिल्कुल दुख रहा होगा इसलिए क्योंकि मैं सालों से ये काम करता है मैं हो गया ये काम करते करते मेरे हाथ पैर अब बूढ़े हो गए मैं खुद थकने लगा लगाऊँगा वाक्य और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि यार इतने साल पढ़ाने के बाद अब से मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा अपने बच्चों को मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा ऐसे ऐसे कैसे चलेगा तो मैं बड़े दुख में हूँगा कि नहीं और बताए आप मेरा कहना कितना सुनते हो ना सुनते हो लेकिन उस दिन ना आपका भी दिल दुख रहा होगा

अब से आप फ्रेंच नहीं पढ़ पाओगे तो बच्चों के दिल पे लगती है कि यार हमारी मातृभाषा है दिस इज आर मदर टंग एंड अब हमें हमें क्या कर रहे हैं हमें सप्रेस किया जा रहा है हमें सप्रेस किया जा रहा है।, है अब हम नहीं हम हम पे फोर्स करके दबाव बना के ये कहा जा रहा है कि अब आप फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओगे तो बच्चों को जो शैतान से शैतान बच्चा था जिसको फ्रेंच अच्छी भी नहीं लगती थी अब उसको भी फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार होने लगा उसको कदर आने लगी कि यार ये भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी वर लकी इनफ कि हमें एक फ्रेंच टीचर मिले हुए थे उसके ऊपर ये कहानी है दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी थी पढ़ानी वो इसलिए हुआ था कि उस टाइम पे ना एक वॉर चल रही थी तो जो नाजीज लोग थे ना जर्मन जर्मन हिटलर एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर ने क्या करा था जहां पे भी वो जाते थे ना पुराने टाइम में बताए क्या होता था जहां भी वॉर होती थी झगड़ा होता था जंग होती थी ना तो सबसे बढ़िया तरीका किसी भी कंट्री को किसी भी देश को किसी भी जगह को किसी भी ग्रुप को तोड़ने का होता उसका कल्चर मिटा दो उसका कल्चर खत्म किया जाता था अगर कल्चर खत्म हो जाएगा वो लोग कभी यूनाइट नहीं हो सकते एक नहीं हो सकते ठीक है जब बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा किसी तरह से वो बंधे ही नहीं होंगे तो उनको तोड़ना आसान होगा ये एक साइकोलॉजी थी पुराने लोगों की जो कि बहुत चलाक बड़ी स्मार्ट मूव हुआ करती थी तो जर्मन ने भी वही कर रखा था हिटलर क्या करते थे क्या करता था हिटलर हिटलर जहां भी जिस पे भी राज्य पे उन्होंने जिस भी देश पे कब्जा किया वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया वही अंग्रेजों ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था तो इस तरीके से तो क्या होता था यह क्या कहते हैं अंग्रेजों ने भी यहां पे लाल किले को भी तोड़ा था और काफी सारी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा था उससे पहले के राजाओं ने भी काफी चीजों को तोड़ा फोड़ा था ताकि कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा लोग एक नहीं हो पाएंगे एक नहीं हो पाएंगे तो वो उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाएंगे तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जाता था कल्चर को एंड लैंग्वेज से बड़ा कोई कल्चर नहीं हो सकता अगर अगर आप लैंग्वेज से जुड़े हुए हो ना तो लैंग्वेज आपको हर तरह से जोड़ देगी लैंग्वेज अगर आपकी सेम है कॉमन है तो आप जुड़े रहोगे और फिर आवाज उठा पाओगे तो so ये कहानी हो की है इसी तरह की एक टीचर की फ्रेंच टीचर की दोस्तों मजा आ रहा है कहानी का थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ आइडिया हुआ कहानी का द लास्ट लेसन क्यों है इसका नाम याद रहेगा याद रहेगा इसका एक समरी मैंने आपके लिए बना रखी है वो पढ़ाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूं आपको समझ आया एक 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 थम्सअप दो ना मुझे देके मुझे बता दो हमारे बीच भी एक लैंग्वेज रहनी चाहिए ये कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है एक थमसअप देके बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं कि क्या ही थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि नहीं जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था लास्ट लेसन कुछ नहीं पता था इस बुक के बारे में उसे थोड़ा समझ में आया पूरा मेरा कॉमेंट बॉक्स येलो हो जाना चाहिए आपके लाइक से जल्दी बताओ जल्दी बताओ आ, वेरी गुड येलो करो पूरा येलो करो तब मैं मानूंगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ आगे बढ़ जाऊं। अच्छा एक बात बताओ अगर ऐसा कुछ आपके साथ होगा फिर आप क्या करोगे इंग्लिश पढ़ाई अगर बैन लगा दिया जाए फिर क्या करोगे आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना YouTube पर ही बंद करवा दोगे दो कह दोगे अगर हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही ना यहाँ पे हमें अगर डियर सर नहीं पढ़ा रहे तो फिर हम YouTube ही बंद कर देते हैं बात ही खत्म करते हैं ऐसा कुछ करोगे चलो यार ऐसे मत बोले यार अच्छा होगा ऐसे कौन बोलता है यार <laughs> ऐसे चलो जो कम टू द पॉइंट तो अब मैं इसकी समरी कराता हूं मैंने आपको स्टोरी इस इसलिए पहले बता दी ताकि आपको पहले ही एक आइडिया हो जाए कुछ हैं जो इस से आपके सामने आएंगे, की वर्ड है क्वेश्चन में फॉर्म में कहीं से भी आ सकते हैं वो की सुन लो जिस चैप्टर से थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एक तो ग्रेट बसल का मतलब होता है लाउड नॉइज बहुत ज्यादा श्योर अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनिंग कोई स्टूडेंट होता है Newissance का मतलब प्रॉब्लम थम्ड डेमेज टू रिप्रोच क्रिटिसाइज करना किसी को ब्लेम करना का मतलब पुअर बैड या अनप्लेजेंट ठीक है आते हैं समरी की तरफ पढ़ते हैं द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों को और अच्छे से दिख रहा है अच्छा दिख पा रहा है कि नहीं एक मिनट बताना दिख रहा है कि नहीं ये विजिबल है कि नहीं इज इट विजिबल क्लियरली विजिबल और नॉट प्लीज टेल मी गाइज इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट प्लीज लेट मी नो आई होप बा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दिख रहा होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने अभी अभी, अभी लाइव सेशन ज्वाइन किया दोस्तों अभी हम इस लाइव सेशन के के अंदर क्लास 12 की फ्लेमिंगो फर्स्ट फोर चैप्टर्स करने वाले हैं और उनकी समरीज देखेंगे कुछ से, से, क्वेश्चन तो आइए जुड़ जाते हैं अब मैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका द लास्ट लेसन है उसकी समरी करा रहा हूं ठीक है ओके लेसन स्टार्ट द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी सेट इन अ स्मॉल फ्रेंच विलेज इन अल्सैस एंड लॉरेन ड्यूरिंग फ्रेंसो प्रेशियन वॉर ठीक है आ, थोड़ा सा कम करते हैं वरना ये खत्म हो जाएगा अब ठीक है अब सही नज़र आ रहा होगा हल्का सा बढ़ाऊं क्या <tune> अब ज़्यादा बढ़ गया <tune> अब ठीक है अब ठीक है अब ज़्यादा अच्छे से विजिबल है थोड़ा सा और बढ़ाऊं क्या चलो तो भाई ये लास्ट लेसन एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक फ्रेंच विलेज एक फ्रांस का गांव है अब उसका नाम ये क्या एल्सेस और लॉरेन जो मैं पढ़ पा रहा हूं। असल में तो जाके पता करना पड़ेगा कि वो क्या बोलते हैं कि फ्रेंच वर्ड है ठीक है और जो कि एक वॉर चल रही थी फ्रांस और पर्शिया की वॉर थी उसके बीच की कहानी है एक फ्रांस का गांव है ठीक है इसमें कुछ मुश्किल नहीं आगे बढ़ते हैं द स्टोरी इज नरेटेड बाय अंग बॉय ये स्टोरी जो नरेट की है वो किसने की है एक लड़का है फ्रेंस उसका नाम क्या है फ्रेंस तो इसको करेक्टर को कैरेक्टर को नाम याद रखने में बड़ी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि फ्रांस फ्रेंच फ्रेंच से ही बन गया फ्रेंस देखो कितना आसान है आ जाओ हु इज अ लेजी स्टूडेंट ये तो मेरे जैसा स्टूडेंट है भाई बिल्कुल मेरे जैसा स्टूडेंट लेजी सा पढ़ा रहता है एक जगह मस्ती मारना एकदम बिल्कुल सोते रहना क्लास में उस टाइप का स्टूडेंट है यार बिल्कुल होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो बिला वजह कुछ तो होते शैतान कुछ होते इंटेलिजेंट कुछ होते लेजी जो कुछ करते ही नहीं ठीक है, so भाई मेरे स्टूडेंट नहीं है लेजी स्टूडेंट एंड टीचर मिस्टर हैमिल एक फ्रेंच टीचर फ्रेंड्स उनका एक लेजी स्टूडेंट एंड हेट्स फ्रेंच या डिसलाइक्स हेट्स वर्ड ज्यादा हो जाएगा हु डिसलाइक्स जो है क्या करता है वो डिसलाइक करता है किसको लैंग्वेज को फ्रेंच लेसन को और मिस्टर हैमिल को अपने टीचर को ठीक है आप तो मुझे लाइक करते, तो like कर तो like कर कर like करते हो तो, अभी इस live session को like करके बताओ, कि like करते हो, नहीं चलो फॉलोइंग जर्मीज टेक ओवर ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन बर्लिन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब जर्मनी ने टेक ओवर कर लिया इन गांव लॉरेन का उसके बाद बर्लिन बर्लिन कौन है बर्लिन क्या है जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन जर्मनी की कैपिटल क्या है बर्लिन है बर्लिन मतलब यानी हिटलर कुल मिला के वहां की सरकार जो थी तो यहां हिटलर ही है बर्लिन का मतलब हिटलर आ रहा है या नाजीज आ रहा है ठीक है बर्लिन एक शहर का नाम है ना एज मैंडेटेड उन्होंने मैंट्री कर दिया क्या मैंट्री कर दिया दैट स्कूल्स टीच जर्मन इंस्टेट ऑफ फ्रेंच कि जो स्कूल्स हैं वो जर्मन सिखाएं फ्रेंच ना सिखाएं हम जैसे बन जाए हर किसी का दबाव बनाने का पावर हासिल करने का भाई यही तरीका होता है आप पावर हासिल करने के लिए ना अपने रूल्स अपना कल्चर थोपते हो उन लोगों पे जिनको आपको दबाना होता है अपने जैसा बनाना होता है तो जर्मन सीखेंगे जर्मनी की भाषा बोलेंगे हिटलर की जय जयकार करेंगे ठीक है और उनकी ताकत बढ़ जाएगी इस तरह से क्लियर हो गया क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं ना उसके बाद क्या होता है मिस्टर हैमिल एक्सप्रेसिज रिग्रेट फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली वाइल स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड देखो देखो अब आप लोग इस बात में झगड़ा मत करना कुछ लोग केंगे हिंदी सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है कुछ कहेंगे उर्दू बहुत अच्छी कुछ कहेंगे इंग्लिश बहुत अच्छी है कुछ कहेंगे पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी है कुछ कहेंगे बंगाली बहुत अच्छी है सबके लिए अपनी लैंग्वेज सबसे खूबसूरत होती है सबसे लॉजिकल होती है होती है कि नहीं ये पॉइंट तुम्हें यहीं से याद रखना है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर पूछा जाए कि मिस्टर हेमल क्या फील करते थे लैंग्वेज के बारे में तो अपनी लैंग्वेज के बारे में सोच लेना तुम अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या फील करते हो मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट लॉजिकल दो वर्ड है यहां इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया चलो तो वही बात कह रहा है वो कि मिस्टर हैमल ना अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट मतलब बहुत दुख जताते हैं कि यार मैं तुम्हें इफेक्टिवली सिखा नहीं सका और तुम इफेक्टिवली सीख नहीं सके कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रह गई होगी जो मेरे बच्चे आज इस चीज को सीख नहीं पाए उन्हें लेसन आज भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं ठीक से समझ आई मेरी ही कमी रह गई होगी वो इस तरीके से कहते हैं और वो चाहते हैं कि जितने तो भी लोग हैं वो सीखते है फ्रेंच जो फ्रेंच लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखते और वो ये भी कहते हैं जो फ्रेंच है वो मोस्ट क्या है ब्यूटीफुल है और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में तो बड़ा कॉमन सा इसमें ये पॉइंट था कोई दिक्कत नहीं थी एंड द की टू स्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी एंड द जर्मन और ये की है एक चाबी है किस चीज़ की चाबी है स्लेवरी जो गुलामी है प्रिजन ऑफ स्लेवरी जो स्लेवरी की जो गुलामी का जो जेल है जो गुलामी की कैद है उससे बचने की और जर्मन से बचने की ठीक है आप गुलाम हुए हुए हो आप गुलाम हुए हुए हो ऐसे एकदम नतमस्तक हुए हो, हो डाउन हुए हो, हो किसी के लिए ठीक है किसी के अंडर अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे अगर आपके पास लैंग्वेज का हथियार है आपके बीच एक कॉमन बॉन्ड बना हुआ है तो आप खड़े हो जाओगे और मिलकर उस पर हावी हो जाओगे और जो गुलामी की जंजीर उनको तोड़ दोगे कैसे तोड़ पाओगे अपनी लैंग्वेज के बल पर ठीक है आगे बढ़ जाए तो ये मिस्टर हैमिल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन आ सकता है मिस्टर हैमल के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है नीचे पूछा भी गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आज मैं आपको कराऊंगा तो वो देखना उसमें ठीक है जो भी अभी साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं लाइव सेशन को साथ के साथ शेयर करते चलना ठीक है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले ओके आगे बढ़ते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल स्कूल के आखिरी दिन आखिरी दिन है सोचो ना अपने आप को महसूस करो आखिरी दिन आपके स्कूल का आपको अब आप प... वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा रही जो आप पढ़ रहे थे मान लो इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी अब नहीं पढ़ पा रहे आप बैन हो गया इंग्लिश नहीं पढ़ पाओ क्या हो रहा होगा मल इज पर्टिकुलरली सैड एंड फ्रेंड्स एंड क्लासमेट आज सरप्राइज तो मिस्टर ना मैं भी इंग्लिश टीचर मुंह खुला हुआ होगा ये तो होगा बस तो आप सरप्राइज होंगे तो बच्चे क्या थे मिस्टर हैमिल सैड थे टू लर्न दैट इट इज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग आफ्टर फोर्टी सर्विस 40 साल मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई एंड इवेंचुअली गया कि यू कैन नॉट टीच फ्रेंच लैंग्वेज एनिमो दिस इज दिगेस्ट उन्होंने इस दुख को वो झेल नहीं पा रहे थे वो बयान कर रहे थे अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई वरना तुम लोग ये लैंग्वेज सीख लेते और जब मन तुम पे अटैक ना करते तुम तुम जीतते ना तुम बच जाते उनकी गुलामी से चलो आगे क्या कहते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चालीस साल मिस्टर है ज एंडिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल टू प्रिजर्व देयर कल्चर कल्चरल हेरिटेज तो मिस्टर हैमेल आगे बढ़ते हैं प्रोसीड करते हैं कोई मुश्किल वर्ड नहीं है ध्यान से देख लो भाई प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना ठीक है या बोल सकते हो कंटिन्यूड मैं जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल वर्ड डाल रखा है इसमें ताकि आपका आंसर इंप्रेसिव लगे वो अपना लेसन आगे पढ़ाते और कहते हैं स्ट्रेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज स्ट्रेस मतलब जोर डालना उस चीज पे जोर डालते हैं किस चीज़ पे अपनी इस बात पे जोर डालते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल और वो भी बताते हैं कि ये रिस्पांसिबिलिटी है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंच पीपल की जिम्मेदारी है कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिजर्व प्रिजर्व इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें और अपनी कल्चरल हेरिटेज को जो उनकी पुरानी पुरानी सभ्यता है उसको बचाए ठीक है आगे बढ़े He explains that that language is an essential part of a nation's identity, and that losing it means losing one's freedom. वो कहते हैं कि जो ज़बान होती है जो भाषा होती है वो आपकी पहचान होती है और इसको खो देने का मतलब अपनी पहचान खो देना होता है ये उनका कहना होता है मैं आपको बता रहा हूं घूसबंसारे सच बता रहा हूं बिल्कुल कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे लेकिन बहुत प्यारी बात है यार कि आप अपनी लैंग्वेज खो देते हो सोचो ना तुम हिंदी बोलते हो आप सब आप सब हिंदी बोल पा रहे हो मैं सुन पा रहा हूँ समझ पा रहे दूसरे से हिंदी में बात हो रही है हमसे कह कहते जाए हिंदी बोलो मत बन हिंदी बोलना बंद आपकी मेरी पहचान खत्म हो जाएगी दोस्त आपकी मेरी पहचान खत्म हो जाएगी सो दैट्स वॉट मिस्टर है नेशन की आइडेंटिटी होती है उसकी पहचान होती है एंड देट लूजिंग इट मीन लूजिंग वंस फ्रीडम और अपनी आजादी को खो देने जैसा है

उतनी ही बढ़ जाती है अब उसको हासिल करने की तड़प ये तो लॉजिकल चीज है बहुत लॉजिकल रीजन है आप अपनी पूरी लाइफ में चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब भी कोई चीज तुमसे दूर जाएगी ना तभी तुम उसको हासिल करने के लिए उसके पास चले जाओगे तभी तुम्हें उसे हासिल करने के लिए तड़प होगी वही हो रहा था मिस्टर फ्रेंड्स के साथ मिस्टर फ्रेंड्स कौन एक स्टूडेंट एक लेजी स्टूडेंट था पढ़ाई में दिल नहीं लगता था पढ़ा रहता था कोने में लेकिन जब पता चला आपसे पढ़ाई नहीं होगी अब दिल होने लगा पढ़ने का ऐसा होता है ना जब जब आप उपवास रखते हो फास्ट करते हो तो आपसे कह दिया जाता है कि भाई रोटी नहीं खानी उसी दिन रोटी का दिल होता है पानी नहीं पीना उसी दिन पानी पीने का दिल होता है अपनी मम्मियों से पूछा करवा चौथ में उनको पानी का कितना मन होता है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स रिग्रेट्स नॉट पेइंग उप्स उप टिकॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक, टिक।, टिक। उप्स ठीक है अब अब ठीक था फ्रेंड्स रिग्रेट्स नॉट पेइंग अटेंशन इन प्रीवियस लेसन एंड नॉट हैविंग फ दी लैंग्वेज फ्रेंच को रिग्रेट होता है कि उसने अटेंशन अटेंशन नहीं दिया मतलब उसने ध्यान नहीं दिया था अपने लेसेंस पे, अपनी पढ़ाई पे. अब जो प्रीवियस लेसेंस उसको सिखाए गए थे पहले पिछले जो लेसेंस थे उसमें उसने ध्यान नहीं दिया था उनपे. और उसने पढ़ा नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा जितना उसको पढ़ना चाहिए था तो उसको इस बात का अफसोस होता है दो तरह के रिग्रेट थे एक रिग्रेट मिस्टर हैमिल का था उनका रिग्रेट क्या था कि वो इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पाए बच्चों को मिस्टर फ्रेंड्स का जो उसका स्टूडेंट है उनका उसका रिग्रेट क्या था कि वो पढ़ नहीं पाया दोनों ही रिग्रेट कर रहे थे असली रिग्रेट तो उनको ये हो रहा था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जा सकती पढ़ी नहीं जा सकती आगे बढ़े फ्रेंड रियलाइज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इज मदर ट एंड हाउ इलिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिफीट पाई दर्मन फ्रेंड्स को रियलाइज होता है उसे एहसास होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की और कैसे लैंग्वेज को ना पढ़ने की वजह से उनकी हार हुई जर्मन से लैंग्वेज पढ़ लेते कनेक्ट connect होते कनेक्टिविटी होती है और लैंग्वेज पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपनी लैंग्वेज पढ़ रहे हो उससे ना आप कल्चरली भी एक दूसरे से जुड़ते हो और आपकी सारा जो ताना बाना पूरा फेब्रिकेशन होता है ना आपका एज ए स्टेट एज ए कंट्री वो भी स्ट्रेंथन होता है मजबूत होता है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं ही बिलीव दैट वंस लैंग्वेज इन इज इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी टेकन अवे लाइक द को ऑफ पीजन पीजेंस और फ्रेंच टू फ्रेंचमैन और फ्रेंड्स को लगता है उस स्टूडेंट को लगता है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो अंदर ही अंदर होती है वो आपके भीतर होती है वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकती वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कबूतर होता है ना कबूतर तो की कुकू कोई नहीं उससे छीन सकता वैसे लैंग्वेज होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमिल द स्टूडेंट्स आखिर वो लेसन खत्म हो जाता है मिस्टर हैमिल कहते हैं सब सबसे कहीं जाओ ठीक है एंड दे ऑल लीव द क्लास रूम इन साइलेंस और सब सब ना एकदम मुंह लटका के जैसे आपकी फेयरवेल में हुआ होगा आपके स्कूल के लास्ट डे पे हुआ होगा कि सब लोग अच्छा नहीं नहीं ना ना तुम तुम मुझे पता है तुम 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 शैतान हो बता रहे होंगे मुझे याद आ गई ना वो शर्ट्स कौन सी शर्ट्स जो लास्ट डे पे व्हाइट कलर की स्कूल शर्ट्स पे आप लोग सबके ऑटोग्राफ लिखते हो सबसे एक दूसरे को लिखते हो ना ऑटोग्राफ और अपना लास्ट डे पे कुछ भी कोट लिखते हो उसके बारे में और पूरी शर्ट ऐसा होती है आप लोग ना ऐसा नहीं किया होगा मैं समझ गया आप लोग इससे पहले कुछ बोलते मैं पहले ही समझ गया ठीक है तो लेकिन वहां पे क्या हुआ था उस क्लास में लास्ट लेसन में सब लोग क्या थे चुपचाप बच्चे मुंह लटका के ऐसे चले गए थे आपकी तरह नहीं आप तो फेरुल में भी नाच रहे थे लास्ट डे पे भी नाच रहे थे कुछ लोग रो भी रहे होंगे हमारी क्लास में काफी लोग रोए थे बहुत रोना धोना मचा था यार मैं सच बता रहा हूं लेकिन मैं फ्रेंड्स था मैं चुपचाप बैठा रहा मैं कह रहा क्यों रो रहे हो यार क्यों रो रहे हो अच्छा हुआ सुबह आने की टेंशन खत्म हुई मतलब सॉरी टू से मैं कन्फेस कर रहा हूँ भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब स्कूल खत्म हुआ था मैं बिल्कुल सच में मुझे आज भी रिग्रेट नहीं होता स्कूल नहीं है ठीक है यार बड़ा बुरा लगता था यार सुबह उठ के जाना ठीक है होता है ना कुछ बच्चे होते हैं बड़े एक्टिव से होते हैं स्कूल में जाके भी शतानी मस्ती करते हैं अब अपने को शौक नहीं था यार मस्ती वस्ती का अपना साइड में पढ़े रहना चुपचाप चाप सुन ला मैं कहता था यार ऑनलाइन क्लास हो जाए वो अच्छा है हमारे टाइम पर नहीं होता था ना ऑनलाइन एनी ठीक है मैं कहा आ गए हम यू ही बात करते करते आगे बढ़ते ना फिर क्या होता है सब शांति से मुंह लटका के चले जाते हैं द क्लासरूम एंड दैट ही विल नेवर अगेन हैव द चांस टू लर्न फ्रेंच अगेन ये कितनी इमोशनल बात है ऐसे फ्रेंड जा रहा होता है वो क्लास से निकल रहा होता है और अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है अपनी क्लास की तरफ और उसे एहसास होता है कि अब वो कभी उस क्लास में जा नहीं पाएगा अब कभी वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा उसका एहसास होता है होता है ना कि यार वाकई क्या, क्या सच में एम आई ड्रीमिंग क्या ये झूठ है लेकिन ये सच है भाई अब नहीं देख पाओगे अब आप सभी ना क्लास फ्रेट वाले सुनो अभी एग्जाम की टेंशन है एग्जाम खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा निकल जाएंगे जैसा होगा अच्छे ही होंगे सारे उसके बाद आपको एहसास होगा स्कूल खत्म यू कैन नेवर गो टू स्कूल बैक नहीं जा पाओगे ये एहसास ये रियलिटी ये ट्रुथ ये बड़ा कड़वा होता है नहीं मिल पाओगे एक साथ कभी एंड वही एहसास होता है फ्रेंड्स को द स्टोरी एंड फ्रेंड्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द रोल इट प्लेज इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी फ्रेंड्स को ये भी एहसास होता है ये ये स्टोरी खत्म होती है जब फ्रेंड्स देखता है इम्पोर्टेंस देखता है कि लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये हमारी सभ्यता होती है और क्या रोल प्ले करती है ये हमारी आइडेंटिटी में पहचान में किसी भी देश की पहचान में किसी भी लोग की पहचान में एज अ ग्रुप लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है कुल मिला के वही है ओवरऑल द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी अ हार्ट टचिंग स्टोरी दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज एज अ कल्चरल आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ़ फ्रीडम इट अर्ज रीडर्स टू अप्रिशिएट एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज बिफोर इट्स टू लेट ये कहानी बताती है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लैंग्वेज की हमारे कल्चर के लिए हमारे लिए और हमारी आइडेंटिटी के लिए और ये हम सबको एक नसीहत भी देती है कि हमें हमारी जो भी लैंग्वेज है हमारी जो मदर टंग है नेटिव लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करना चाहिए प्रिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है लिख के रख लो प्रिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है उसे प्रिजर्व करके रखनी चाहिए अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ने के लिए ताकि हमारी पहचान बनी रहे बची रहे बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो दोस्तों खत्म हो गई जब लैंग्वेज खत्म हो गई वो लैंग्वेज लैंग्वेज खत्म हुई जहां की लैंग्वेज खत्म हुई वहां की कल्चर खत्म हो जाता है वहां का कल्चर ही बिल्कुल खत्म हो जाता है ठीक है दोस्तों तो याद रखने वाली चीज है ठीक है तो ये कहानी खत्म हुई हमने पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट लेसन है उसकी समरी उसकी पूरी कहानी ऑलमोस्ट मोटा मोटा पूरा यही था मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में जरूर आया होगा कोई डाउट आ रहा है कॉमेंट करके अभी बताओ उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको क्लियर हुआ उसके बाद अब इसके क्वेश्चन देखेंगे ठीक है बड़ी मजेदार स्टोरी थी घूसबंस आते गए मुझे तो बार बार ठीक है क्लास टेंथ इंग्लिश ग्रामर का एक सेपरेटली लाइव सेशन मैं कंडक्ट करूंगा आपके सामने लाइव ये बात बोल रहा हूं एक क्या दो तीन कर दूंगा परेशान मत हो क्लास ट्वेल्थ की आज बारी है क्लास इलेवेंथ क्लास टेंथ आप ही लोगों के लिए खड़ा हूं आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन होगी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मार्क माई वर्ड्स मार्क माई वर्ड्स क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट मैं यहां खड़े होकर कराऊंगा डोंट वरी अबाउट इट दो मिनट का बस ब्रेक ले रहा हूं कहानी समझ आई कि नहीं मुझे बताओ फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे कोई डाउट अभी भी आ रहा है जल्दी से कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो <coughs> हाँ जी तो फिर इसके नोट्स कहा मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इसकी जो पी है ना उसका लिंक ना इसी के लाइव सेशन के कॉमेंट में पिन कर दूंगा मैं अदरवाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल डियर सर के नाम से है हाँ ना ऑफिशियल डियर सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको जितनी भी पीडीएफ हैं टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ग्रामर स्पोकन जितनी भी मैथमेटिक्स जो भी है वो सारी वहां पे हमारे हम अवेलेबल कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ठीक है आ, ये कॉल्स आई कॉल यू लेटर इफ यू डोंट माइंड ओके चलो जी सो so स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस ठीक है मैं चाहता हूं कम समय में देखो टाइम वेस्ट नहीं करो कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये याद रखना मेरी कुछ भी करना ये आपके ऊपर है आप कहां कौन सा लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करो इट्स ऑल अप टू यू बट मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है एक बात मेरी जरूर मान के रखना अपने आप से ये जरूर कहते रहना कि भाई पेपर वाले दिन एग्जाम में आपको अकेले बैठकर पेपर करना है साथ में कोई नहीं होगा तो आपकी कितनी प्रिपरेशन है आपको कितना समझ में आया वो इंपॉर्टेंट है ठीक है आपका दोस्त क्या जवाब सही दे रहा है फर्क नहीं पड़ता आपके दोस्त को कितना नहीं आता इससे भी फर्क नहीं पड़ता फर्क इससे पड़ता है आपको कितना आता है ये चैप्टर मैंने सबको समझाया इक्वली समझाया आपको समझ में आया अच्छी बात आपको कहीं डाउट आया ना तो किसी और के चक्कर में हाँ हा मत बोलना कमेंट करके पूछ लेना ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम वेस्ट मत करना खुद को देखना खुद को एनालाइज करते हुए चलो क्या आपको कितना आया ठीक है चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। Who did Mr. Hamel blamed when Franz was unable to answer a question on French participles? क्या इसका आंसर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है किसको ब्लेम कर रहे थे किसको रिग्रेट कर रहे थे हमारे मिस्टर हैमिल मिस्टर हैमिल हमारे जो फ्रेंच टीचर थे फ्रेंच टीचर थे अच्छा पहले इंपॉर्टेंट सा सवाल बताना छोटे छोटे अब मैं कुछ कमेंट्स में आपसे सवाल की जवाब पूछना चाहूंगा जल्दी से दो तीन क्वेश्चन मुझे जल्दी से yes, आंसर करो मिस्टर हैमिल कौन थे जल्दी बताओ मिस्टर हैमिल कौन थे टीचर टीचर फ्रेंच टीचर यस टीचर 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 नहीं फ्रेंच टीचर सब लोग आंसर करो मिस्टर हैमिल कौन थे फ्रेंच टीचर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कौन है फ्रेंड्स कौन है हु इज फ्रेंड्स हु इज फ्रेंड्स एफ आर ए एन जेड हु इज फ्रेंड्स कमान कम फ्रेंड्स बॉय स्टूडेंट वेरी गुड वेरी गुड ेंस कौन एक स्टूडेंट है फ्रेंस कौन स्टूडेंट ओके वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अब क्या हुआ है हु डिज मिस्टर हैमल मिस्टर है किसको ब्लेम कर रहे थे जब फ्रेंड ने आंसर नहीं दिया था किसको ब्लेम ब्लेम कर रहे थे किसको ब्लेम कर रहे थे वो खुद को रिग्रेट कर रहे थे खुद को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ही इफेक्टिवली नहीं सिखा पाए लोगों में इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं जगा पाए लैंग्वेज के बारे में तो खुद को ही ब्लेम कर रहे थे आंसर इंपॉर्टेंट ईजिली लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे कि नहीं समरी है आपके पास दो तीन बार रिवाइज करना दो तीन बार आपको के सामने से निकाल लोगे ना ये सारे सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इनके की कीवर्ड्स मुझे एक अलग से आप दे दो कीवर्ड्स के लिए सेपरेट लाइव सेशन या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में दूंगा दोबारा से सुनो दोबारा सुनो आई रिपीट आई रिपीट एल गिव यू सेपरेट वीडियो ऑन की वर्ड सिर्फ की वर्ड होंगे हर चैप्टर के हर चैप्टर के जो आपको एग्जाम में लिखने एक अलग से वीडियो दूंगा इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नोटिफिकेशन प्रेस नोटिफिकेशन आइकन पे जो होता है वो घंटा उसको एकदम प्रेस करके रखना ताकि पता चल जाए कि वीडियो आ रही है कि नहीं और वीडियो जरूर देखना अब जितनी भी वीडियो आएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जितने लाइव सेशन कंडक्ट होंगे एवरी लाइव सेशन इज गोल्ड फॉर यू आइस ठीक है सो so, अलग से दे दूंगा

अब वो लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट के भाई वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज का हमारे पार्ट वही वाली सारी बात हो जाएगी वो कह देंगे कि भाई जो लैंग्वेज होती है वो कंट्रीज की क्या होती है वो वन एक आपकी आइडेंटिटी होती है आपकी कल्चर को आपकी जो हेरिटेज उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती है वही वाला जो समरी में हमने लिखा है ऑलरेडी कवर्ड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज मिस्टर हेमल्स रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन फिर वही वाली, वाली बात हो गई उनको क्या रिग्रेट था ये मैंने नहीं बार बार रिपीट किया क्वेश्चन ये प्रीवियस में रिपीट हुआ है ठीक है तो मिस्टर को क्या रिग्रेट था आप मुझे बताओ ना क्या रिग्रेट था मैं नहीं बता रहा आप सब कमेंट करो जो मेरा बच्चा इंग्लिश से डर रहा है जिसको बिल्कुल नहीं आती वो भी कॉमेंट करे वो भी कॉमेंट करे वो भी कॉमेंट करे कर। किसी को पीछे नहीं छोड़ना सबको साथ लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो जो भी ज्वाइन कर रहा है जिसने भी जिसने भी इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया अपना प्यार दिखाओ लाइक करके प्यार भी दिखाओ ताकि मुझे पता चलता रहे क्या आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं आर यू एंजॉयंग दिस लाइव सेशन मजा आ रहा है मजा आ रहा है तो लाइक like करो लाइक like करके मुझे पता चलेगा कि भाई कितने लाइक्स आएंगे लाइक्स का मतलब ही होता है कि यू आर लाइकिंग दिस लाइव सेशन ओके नेपाल से भी देख रहे हैं वेरी गुड इफेक्टिवली वर्ड यूज किया वेरी गुड कि मिस्टर हैमल इस चीज का रिग्रेट कर रहे थे कि ही कुड नॉट टीच इफेक्टिवली ही वॉज अनेबल टू टीच इफेक्टिवली वट एवर वर्ड यू कैन यू यू वॉन्ट टू यूज यू कैन ओके सो इफेक्टिव क्या कहते हैं अनेबल वर्ड यूज कर दो कुड नॉट वर्ड यूज कर दो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे द मैटर जो मैटर करती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द मैटर इज के वो बता देना है मैटर ऑफ द फैक्ट यही रहेगा मैटर ऑफ द फैक्ट क्या रहेगा कि वो ठीक से पढ़ा नहीं पाया उनके का रिग्रेट था और लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस की बता नहीं पाए कि भाई लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट साथ में वो कहते हैं कि जो जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने भी इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा रियलाइज नहीं करे. ठीक है वेरी गुड बड़े बड़े प्यारे बच्चों, यार एक क्लैपिंग आपके लिए बहुत सही आंसर लिखे हैं मजा आ गया वेरी गुड यार वेरी गुड आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे भाई मैं आप टेंशन फ्री हो गया मैंने आपसे वादा किया था कि ट्वेंटी परसेंट मार्क्स आपके बढ़ाऊंगा अब मुझे लग रहा है उससे ज्यादा ही बढ़ जाएंगे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑसम awesome. ओके okay, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक बार और रिपीट कर आए रिपीट वंस अगेन अलग से सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक लाइव सेशन में आपका एग्जाम से पहले लूंगा ट्वेल्थ क्लास वालों ध्यान से सुनो आपका एक अलग से लाइव सेशन भी होगा जिसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ही हम डिस्कस करने वाले होंगे सो so, उसके लिए भी तैयार रहो पूरी प्रिपरेशन होगी बस आप अपना प्यार बनाए रखो मेरी मेहनत को आप वसूल करोगे अच्छे मार्क्स ला ठीक है लाओगे ना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग आर यू रेडी फॉर दिस चैप्टर तैयार हो कोई डाउट आ रहा है अभी लास्ट लेसन के अंदर मुझसे पूछो अदरवाइज वी आर गोना स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर मुझे नहीं लगता किसी को डर लग रहा है डर नहीं लगना चाहिए अब किसी को डर नहीं लग रहा होगा इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो रही है अब किसी को डर तो नहीं लग रहा होगा इंग्लिश से डर नहीं लग रहा होगा की की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं राइटिंग पोर्शन की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपके लिटरेचर की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं डर किस बात का आपका काम बस सुनना है एकदम रिलैक्स होके सिट बैक एंड एंड जस्ट रिलैक्स जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग आपको तो कुछ करने को मैं कह ही नहीं रहा आपके बदले की जितनी प्रिपरेशन है वो मैं कर रहा हूं और मेरे मैं आपको ऐसे घोल घोल के पिला रहा हूं घोल घोल के पिला रहा हूं तो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आएगा डोंट वरी साहिब आलम शुरू हो गए चलो चलो यार विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एन नेक्स्ट चैप्टर देखो काफी मैंने डिटेल में देखो पढ़ाया मैं जानबूझ के चार चैप्टर पढ़ा रहा था कि मैं जल्दी जल्दी ऐसे खींच दूं वो मुझसे नहीं मुझसे नहीं आता यार मैं फील करता हूँ चैप्टर्स को मैं फील करता हूँ मुझे सारी स्टोरी याद रह जाती हैं मुझे याद रह जाती है नाइन टेंथ एलेवन ट्वेल्थ सारी बुक्स की मुझे स्टोरी याद रह जाती है क्यों याद रह जाती है क्यों याद है क्योंकि मैं फील करता हूँ आप भी फील करो देखो इसको फील करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम है अब इसके बारे में बताता हूँ ये कहानी है बहुत प्यारी कहानी अगेन बहुत प्यारी दिल्ली से कौन कौन है दिल्ली वालों दिल्ली वालों दिल्ली वालों हाथ उठा लो दिल्ली वालों हाथ उठा लो जस्ट जस्ट लेट लेट मी मी नो नो कौन कौन दिल्ली से है दिल्ली से कौन कौन है वो जो दिल्ली से है ना उसको तो ये चैप्टर एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा दिल्ली और यूपी वाले वो भी समझ लेंगे उनके लिए तो ये बिल्कुल ही ऐसा है कि हलवा खा लिया पता है क्यों कह रहा हूं दिल्ली वालों दिल्ली से इसलिए कह रहा हूं यूपी से क्योंकि सीमापुरी के ऊपर है सीमापुरी सीमापुरी एक जगह है दिल्ली के अंदर ही है तो जिसमें सीमापुरी देखा हुआ होगा ना उसको तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं सीमापुरी से कौन कौन है अब ये बता थू? अच्छा सीमापुरी से भी है बच्चे ओ वाह फेंटेस्टिक तो आप लोगों के लिए तो चैप्टर थोड़ी है ये, ये चैप्टर थोड़ी आपके लिए आपके लिए तो ये आ, आपके पड़ोस की कहानी है ये चलो 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 आ देखते हैं क्या है ये कहानी मैं बताता हूं दोस्तों इसमें ना कहानी बताई गई है गरीबों की गरीब बच्चों की गरीब दो तरह की कहानियाँ इस चैप्टर में ना दो तरह की कहानियां बताई गई हैं आओ ध्यान से देखो ध्यान से देखो पानी वानी पीते रहो ना साथ के साथ पानी वानी पियो मस्त रहो फल फ्रूट खाते रहो चुपचाप सुनते रहो कानों में आपके मैं इतना दूंगा ना कि आप ना आपके माइंड में वो वर्ड्स रह जाएंगे भूल नहीं पाओगे अरे चैप्टर भूल जाओगे मुझे कैसे भूलोगे ठीक है चलो नहीं भूल पाता आदमी नहीं भूल पाता अरे नहीं भूल पाता भाई अगर अगर कोई कोई दिल से हमारे लिए कुछ करता है ना हम उस इंसान को उस शख्स को कभी भूल नहीं पाते दैट्स द फैक्ट सर आर यू मैरिड नो आई एम नॉट मैरिड येट क्यों क्या हुआ बुढ़ा लग रहा हूँ क्या नहीं यार इतना उम्र नहीं हुआ है मेरी यार सच बता रहा हूँ अगर शेवे करके मैं तुम लोगों के साथ बैठ जाऊँ ना बाल वाल कटवा के मैं तुमसे छोटा लगूंगा मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई नहीं है ना ठीक है चलो आओ अब तो वही कहानी क्या है दो 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 दो, दो कहानी है ये बेसिकली दीज आर टू स्टोरीज और इनमें क्या है इनमें कहानी बताई गई है एक छोटे बच्चे की जो कि कूड़ा बीनता है कूड़ा बीनता है रैग पिकर रैग पिकर कूड़ा बीनता है छोटे बच्चे की कहानी है अब कूड़ा बीनने वाले बच्चे की कहानी क्या ही होगी कभी सोचो ना एक दिमाग में एक चेहरा लाओ एक छोटा बच्चा जो कूड़ा कड़कट ऐसे बीनता हो जा क्या है उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी बताई गई है उसकी जिंदगी पता क्या होती है कूड़ा बीनता है उसमें कुछ काम की चीज़ें मिल जाती हैं कहीं दो रुपए मिल गए नीचे चावनी मिल गई उससे कमाई हो गई कहीं कोई सामान मिल गया उसको बेच के थोड़ा दो चार रुपए आ गए उस इंसान के सपने क्या होंगे उस बच्चे के सपने क्या होंगे जो कूड़ा बीन रहा है वो बताया गया एक कहानी एक और नौजवान की है जो चूड़ियाँ चूड़ियाँ बनाती है चूड़ियाँ छन 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 चूड़ियाँ जो होती हैं वो वाली चूड़ियाँ मम्मी पहनती हैं चूड़ी बनती है तो चूड़ी पहनते बहुत हैं लोग लेकिन वो जो बनाने वाले वो उनको मुनाफा नहीं होता उनकी ज़िंदगी बड़ी बद बत से बदतर है क्योंकि मशीनें आ गई हैं ज़्यादातर मशीनों से काम हो जाता है तो वो जो हैंडमेड चूड़ी वगैरह तो का कारोबार है वो खत्म हो गया वो भट्टियों से बनाने वाला कारोबार खत्म हो गया बेसिकली और उसमें कमाई भी नहीं है वो किस झुग्गी में रहते हैं झुग्गी झुग्गी बोलते ना ऐसी जगह को घर नहीं होता मकान नहीं तो झुग्गी टाइप होता है वह कितनी मुश्किल का सामना करते हैं कैसे टूटी हुई दीवारें होती हैं उनकी एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार सोता है दस लोगों का और उस जगह में उस लड़के में जो लड़का वो काम कर रहा है जवान लड़का है एक वो क्या सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में अपने मुस्तकबिल के बारे में ये कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग की ठीक है तो ये दो सच्चाइयां हैं कहानियां है फील करो इन्हें इनको फील करो एग्जाम में आपके आगे एग्जाम में आप हंड्रेड परसेंट आंसर लिख के आओगे फील करो ठीक है करें स्टार्ट करें शुरू तो कुछ की हैं जबरदस्ती मतलब 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 जमीन को हत्या लेने को बोलते हैं फंडस भट्टी को बोलते हैं इंपॉवरिज मतलब पुअर यानी गरीब रेनोवेट करना किस चीज को नया बना देना विशस का मतलब ब्रूटल हार्श बहुत ज्यादा ब्रूटल होना हार्श होना कठोर हो जाना ठीक है बहुत ज्यादा एकदम ऐसे डांट देते ब्रूटल लोग ठीक है जालिम हो जाना ठीक है थी का मतलब अनकंसर्न जिसके लिए कोई फिक्र ना हो स्टिग्मा मतलब कोई बट्टा, कोई कोई शेम, कोई शर्म, और अपॉलिंग का मतलब या, या बहुत है बड़ा खतरनाक सा ठीक है आओ चलो समरी देखते हैं पहले पहली वाली कहानी की द स्टोरी इज अबाउट द स्लम्स ऑफ फिरोजाबाद एक तो स्टोरी है फिरोजाबाद की फिरोजाबाद यूपी की एक जगह है अगर मैं गलत ना हूं तो और जो कि मशहूर है बैंगल मेकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट वर्ड आने शुरू हो गए क्या 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 नहीं 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 रटने पड़ेंगे नहीं. अब ये मुश्किल लैंग्वेज है कि एग्जाम में इतना भी नहीं लिख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों के द स्टोरी इज अबाउट फिरोजाबाद इतना तो लिख दोगे ना लिख दोगे ना फिरोजाबाद ठीक है इतना तो पता ही है तो फिरोजाबाद एक अच्छा वर्ड था इंडिया चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स लिव एंड वर्क इन अपॉलिंग कंडीशन टू सपोर्ट देयर फैमिलीज ठीक है तो ये स्टोरी है फिरोजाबाद की जहां के जो माइग्रेंट एक वर्ड इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट जो आपको याद रखना है की वर्ड है लिख लो कॉपी पेन से लिख लो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जहां जो माइग्रेंट थे माइग्रेंट कौन थे माइग्रेंट कौन होते हैं माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो कहीं से आके बच बसे होते हैं और ये माइग्रेंट कौन है ये बांग्लादेश से आए हुए हैं कहां से आए हुए हैं बांग्लादेश से आए हुए हैं हमारा पड़ोसी मुल्क तो माँगरे, है तो वहां से माइग्रेट क्या कहते हैं जो माइग्रेंट आए हुए हैं ठीक है माइग्रेशन हुआ है उनका माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आप ट्रांसफर हो जाते हो जो आप शिफ्ट हो जाते हो उसको बोलते हैं माइग्रेशन और जो शिफ्ट होने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं माइग्रेट जैसे मैं दिल्ली से किसी और कंट्री में चला जाऊं स्टेट वाइज इसको इतना नहीं बोलते ठीक है माइग्रेशन बोल सकते हैं लेकिन मेनली इस्तेमाल होता है कंट्री टू कंट्री आप कभी एयरपोर्ट जाओगे ना तो वहां पे भी दिखेगा माइग्रेंट माइग्रेशन डिपार्टमेंट या माइग्रेशन ऑफिस कि एक कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ पाए तो आपका सामान वगैरह से रिलेटेड जो काम हुआ तो माइग्रेशन एक वहां पे ऑफिस हो गया या विंडो हो गई ठीक है तो इस तरह से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट इसलिए मैं आप इस वर्ड पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ तो कहानी है बच्चों की जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं रह रहे हैं वहां पे फिरोजाबाद में जो जो अपॉलिंग कंडीशन में रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक बड़ी आंखें फाड़ देने वाली कंडीशन है यार कैसे रह पा रहे हो तुम ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं ठीक है टू सपोर्ट देयर फैमिली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने द स्टोरी द स्टोरी फॉलोज द लाइज ऑफ टू कैरेक्टर्स साहेब एंड मुकेश ये जो स्टोरी है दो लोगों की कहानी है एक तो साहेब की और एक मुकेश की याद रखना दो कैरेक्टर है साहेब एंड मुकेश अलग अलग कहानी है साहेब की कहानी अलग मुकेश की कहानी अलग ठीक है क्लियर हो गया एंड देर स्ट्रगल टू स्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पोवर्टी और उनका जो, जो स्ट्रगल है जो संघर्ष चल रहा है गरीबी से निकलने का उसके बारे में कहानी ठीक है आओ देखते हैं आई टिंग 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 टोंग 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 ठीक है द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड साहेब यंग बॉय पहली कहानी है ये स्टोरी है एक साहेब एक यंग बॉय ठीक है साहिब आलम -e नाम है इसका साहिब आलम -e मतलब जो पूरी दुनिया का राजा हो गया ओनर हो गया साहिब ए आलम, वर्क्स एज वर्क्स इन अ बैंगल फैक्ट्री केम टू फैमिली बिकॉज बाइ स्टॉम्स इन ढाका ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है तो ये कहानी है एक बच्चे की जो कि वैसे रैक पिकिंग का काम करता है और फिर शाम में क्या करता है फिर शाम में क्या करता है शाम में वो बेंगल फैक्ट्री में वर्क करता है ठीक है वो वहां पे क्यों आया

ये खत्म हो जाए एंड वन डे गोइंग टू स्कूल स्कूल चला जाए अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि हमारा स्कूल खत्म हो जाए मेरे जैसे ही बच्चे थे जो कह रहे थे स्कूल खत्म हो जाए यार सुबह नहीं जाया जा जाता मुझसे पढ़ना एक अलग चीज है स्कूल जाना एक अलग चीज है ठीक है एनी uh, वे anyway, लेकिन उसके बच्चे का सपना ही है स्कूल जाना जो भी कूड़ा बीनने वाले होते बेचारे वो कहाँ स्कूल जा पाते तो आपके लिए जो कुछ भी नहीं है किसी और का वो ड्रीम है किसी और का सपना है ठीक है किसी का सपना है स्कूल जाना स्कूल जाना कौन सा सपना है हाँ है उनका जो जा नहीं पाते ठीक है सो so उसका सपना क्या है स्कूल जाना ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड हैज नो नॉलेज ऑफ एनीथिंग आउटसाइड ऑफ हिज कम्युनिटी उसको कुछ नहीं पता अपनी कम्युनिटी के बाहर की बातें उसे वही पता है जो कि भाई कूड़ा बीनना भाई बेंगल फैक्ट्री में काम करना बस इससे ज्यादा उसको कोई नॉलेज नहीं है ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज डेज अच्छा इज इट विजिबल इज इट विजिबल ना इज इट विजिबल ना विजिबल नहीं है क्या विजिबल है ना ठीक से ज़्यादा छोटा तो नहीं है इसको बड़ा करूं क्या थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने आपके लिए इज इट फाइन नाउ नो इट्स नॉट ओके इज इट फाइन ये थोड़ा छोटा ही करूं। आ, ये हो जाएगा क्या इसको 140 फोटी करा अगर मैं नहीं आ गया तो इसको मैं 140 करना चाहता ओके वन ज़ीरो वन फोटी डन हुआ नहीं क्या आई डोंट नो हो गया ठीक है ठीक है अब ठीक है क्या इज इट फाइन नाउ है ना आप ज्यादा अच्छा है ना ओके सो ही ड्रीम्स हो गया था यहां पे तो हो गया था हमारा ही ड्रीम्स ऑफ स्केपिंग इज लाइक ऑफ पोर्ट्री एंड वन डे गोइंग टू स्कूल He has never been to school. वो कभी school नहीं गया था और अपनी के के, की बातों के कुछ पता भी नहीं था प्ले और एजुकेशन देखो बहुत सिंपल वर्ड है दो तीन बार इस, इस आंसर को दोहराओगे ना तो आपको याद होगा अच्छे से वो अपना ज्यादातर वक्त फैक्ट्री में घंटों काम करने में बिताता था, था और उसको ना खेलने का टाइम था ना पढ़ने का देखो कैसे जिंदगी जी रहा था वो सिर्फ और सिर्फ काम करता था कौन साहिब साहिब आलम ठीक है अब ये कौन है ये कहानी कौन बता रही है राइटर बता है पैसिव वॉइस है पीपल लाइक हिम यानी उसके जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं पिकर्स होते हैं उनके साथ प्रॉमिस आर ऑफ्टन प्रॉमिस थिंग्स बट देट आर नॉट कैप्ड लेकिन उनसे प्रॉमिस को निभाया नहीं जाता है आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी वॉक बेर फुट जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनके पास चप्पलें भी नहीं होती हैं स्लिपर्स भी नहीं होते हैं बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव वो नंगे पैर घूमते हैं ऑन द द्रीट गलियों में एंड हाउ दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स रादर देन ट्रेडिशन और ये कोई कल्चर नहीं है कोई ये ट्रेडिशन नहीं है ये इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है खर्च करने की उनके पास क्षमता नहीं है कि वो नई चप्पलें या जूते खरीद सके इंसिडेंट साहब एंड हिज फैमिली आर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड सीमापुरी नियर डेली का, से? सीमापुरी से है जो कि दिल्ली के पास का इलाका है वे आर द रैग पिकर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन नाइनटीन सेवनटी वन लाइव लिव जो उन्नीस सौ इकहत्तर में यहां पर रहने आए थे ढाका में जब तूफान आ गया था वहां से ठीक है दे आर नॉट गिवन एनी ऑफिशियल आइडेंटिटी और परमिट्स और उनको कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी भी नहीं दी गई वो आज भी माइग्रेंट ही है बांग्लादेशी हैं एनआरसी सी है। वगैरह हो रहे वाला था ना तो उसमें बात हो रही थी ना कि भाई जो बाहर के उन्हें वापस भेजो तो ये वो वही माइग्रेंट है हो सकता है कि आ, इनको अब पता नहीं मुझे बाकी लॉ वगैरह में लिखा होगा उसके अंदर ड्राफ्ट जो किया गया था कि इन लोगों के यहाँ से इंडिया में इनको आइडेंटिटी दी जाएगी या इनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा आई डोंट नो लेकिन ये वही माइग्रेंट्स है जिनके बारे में बात हो रही है जो हमेशा बात होती है कि भाई माइग्रेंट्स हैं अच्छा हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरत बात पता है आपको क्या है आप अभी बच्चे हो ना आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको बताता हूँ सुनो हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात है इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं रेफ्यूजी कैंप भी बने हुए हैं और उनके लिए सेपरेट कॉलोनीज बनाई गई हैं कॉलोनीज वगैरह बनी हुई हैं और सेपरेट उनको उनको पहचान भी दी गई है राशन कार्ड भी दिया जाता है तो इंडिया में एक ही तरह के लोग नहीं रहते बहुत 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 कंट्रियों से आते हैं अफगानी भी दिख जाएंगे तिब्बती भी दिख जाएंगे और और ये देखो बांग्लादेशी भी दिख जाएंगे आपको सब आते हैं और सबका जो 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 बच के जो जो, जो जहाँ पे लोग शरण लेते हैं ना जो शरण लेते हैं वो इंडिया ही है यहाँ पे आके बचते हैं तो हमारी कंट्री का दिल शुरू से ही बहुत बड़ा रहा है हम लोगों का इंडियंस का हम लोगों को बसाते हैं उनको वेलकम करते हैं इफ़ दे आर इन सम प्रॉब्लम इन देयर कंट्री ओके सो ये बड़ी अच्छी बात है हम एक बड़ी कंट्री ऐसे ही नहीं है वाई वी आर कॉल्ड ग्रेट कंट्री ग्रेट इंडिया हम इंडिया इंडिया इज ग्रेट बिकॉज आर बिकॉज वी डू हाउ वी एम्बाइड पीपल इस वजह से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वेर द रेड केम टू फ्रॉम बांग्लादेश देर नॉटन एनी ऑफिशियल आइडेंटिटी उनको ऑफिशियल आइडेंटिटी तो नहीं गई ना कोई परमिट दिया गया लेकिन उन्हें राशन कार्ड जरूर दिए गए हैं जो उनको खाने में और वोट देने में मदद करते हैं तो उनको राशन मिल जाता है राशन कार्ड मिल जाता है ना तो वो उनको भी मिला हुआ किनको मिला हुआ है जो सीमापुरी के अंदर माइग्रेंट है बांग्लादेश से आए हुए साहेब उन्हीं का ही एक बच्चा है जो कि एक रैग पिकर है क्लियर और नॉट ठीक है आगे बढ़ते हैं द स्टोरी एंड्स बाय से द स्टोरी एंड बाय दैट साहेब हैड फाउंड अ न्यू जॉब एट अ टी स्टॉल वेयर ही पेड अ लिटिल मोर एंड इज गिवन मील्स

और अपना चल रहे घूम रहे फिर रहे नंगे पैर ऐसे नंगे पैर ऐसे ऐसे घूमते फिरते जा रहे हैं ये वाला काम होता था अब काम बदल गया अब क्या होता है बट ही इज नो लॉन्गर के स्टील कनस्टर ही नाउ कैरी सीम्स सीम्सर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज फॉर रैक पिकिंग अब जो स्टील का कनस्तर जिसे बोलते हैं ना हम लोग वो चाय के लिए दूध के लिए तेल के लिए उठाता है ना वो ज्यादा भारी है वो जो बैग वो कैरी करता था रैक पिकिंग के टाइम पे उससे ज्यादा भारी है

साहिब इस लेटर बाद में पता चलता है कि साहेब को देखा जाता है क्या किस चीज़ में कि अब साहेब के पास जूते आ गए वो जो टेनिस टेनिस चूज बोलते हैं उनको नॉर्मल से जो जूते होते हैं स्नीकर्स टाइप के वो उसके पास आ गए हैं जिनके पहन के बड़ा खुश होता है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें ना साहेब एक चीज़ कहता है साहिब के लिए कूड़ा नहीं है गार्बेज को गोल्ड कहता है क्यों उसी में से उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं जो उसके लिए सोना है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ठीक है सो दोस्तों ये तो पहली स्टोरी थी दोस्तों पहली स्टोरी थी द लॉस्ट स्प्रिंग की अब दूसरी स्टोरी देखते हैं आर यू रेडी फॉर इट आर यू रेडी फॉर इट ओके लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड स्टोरी वॉन्ट टू ड्राइव अ कार ये किसने कहा देखते हैं तो ये मुकेश की कहानी है मुकेश इज अंग ऑन हिज ड्रीम गिवन हिज ड्रीम ड्रीम बिंग अ मोटर मैकेनिक टू स्कूल एंड हैज गिवन वर्किंग इन द सेम बैंगल फैक्ट्री एज हिज फादर प्लीज दैट देर इज नो वे ऑफ पॉवर्टी एक मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको ठीक है बिलीव दट देर इज नो वे आउट ऑफ पॉवर्टी मुकेश एक यंग लड़का है जो कि क्या बनना चाहता है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है लेकिन गरीबी इतनी है कि उसको जो उसके पिता काम करते थे ना बैंगल मेकिंग का भट्टी के अंदर चूड़ी बनाने का वही काम उसको भी करना पड़ रहा है और उसे ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं है गरीबी से निकलने का ही टेक्स द ऑथर टू हिज हाउस वेयर शी सीज द वर्किंग कंडीशन एज ग्रीम विद हाई टेम्परेचर अराउंड एयर एंड लाइट वो अपनी ऑथर अप, को अपने घर लेके जाता है जहाँ ऑथर देखती है कि जहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत ही खराब है वहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान है बहुत गर्मी है बहुत उमस है और वहाँ जो भट्टियाँ लगी हुई हैं उनकी वजह से और जहाँ पे ना ठीक से हवा है ना ही लाइट है मतलब ना रोशनी है ना ही हवा है चलो जी ये हालात है वहां के घरों के द बैंगल मेकिंग ट्रेड हैज बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट बट द फैमिलीज रिमेन पुअर डिस्पाइट द होल फैमिली वर्किंग जो बेंगल मेकिंग काम है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है मतलब से ट्रांसफर होता चला जाता है और क्या होता है बट फैमिली लेकिन जो फैमिली होती है वो हमेशा गरीबी रहती है जबकि पूरी फैमिली काम करती है उसका कारण क्या मे बी उसका है कि जो मीडिएटर होते हैं ना मैनुफेक्चर होता है फिर एक मीडिएटर होता है फिर ट्रेडर होते हैं वो मीडिएटर एजेंट जो होते हैं ट्रेडर वो ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं इन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है नेक्स्ट है द मैंगल मेकर्स हैव लॉस्ट देयर क्राफ्ट टू मशीन एंड देर आर्ट इज नॉट रिड्यूस टू चीप एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो बैंगल मेकिंग का काम है वो मशीनों से छिन गया है जो जो कला है क्राफ्ट है वो मशीनों ने छीन लिया है अब मशीन आ गई नई नई मशीन आ गई है। हैं लोग उनसे बनवाते हैं बैंगल मेकिंग उससे होने लगी है तो ये जो क्राफ्ट है अब कहां तक सीमित रह गया कि बहुत लो क्वालिटी की सस्ती चूड़ियां ही बन पाती हैं और सस्ते में प्रॉफिट कम होता है ठीक है गॉट इट ओके थैंक्स फॉर योर लाइक्स थैंक्स फॉर योर लाइक्स मोर देन थ्री थाउजेंड आपने लाइक्स कर दिया है वेरी गुड जिन्होंने अभी भी लाइक like नहीं किया अभी अभी आए हैं सो प्लीज लाइक दिस लाइव सेशन इफ यू आर एंजॉइंग ओके लेट्स गो है उसके बाद क्या होता है यूज ऑफ चाइल्ड लेबर इज इलिगल आप लोगों को पता है चौदह साल से कम उम्र की बच्चों से, आ, से काम करवाना इनलीगल होता है तो यह बात यहां भी की गई है कि द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर इज इलीगल बट द बैंगल मेकर आर अन अवेयर ऑफ दिस लेकिन बैंगल मेकर इससे मतलब नहीं उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है एंड द फियर ऑफ बींग बिटर अवे बाय द पुलिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर दैम टू फॉर्म अटिव टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन और जो उन्हें डर लगता है कि पुलिस वाले उनको मारेंगे पीटेंगे गरीब हो दबाया जाता है तो वो इस चीज़ का डर उनको हमेशा सताया रहता है इसलिए वो इसको कुछ लीगल फॉर्म इसकी बनाते हुए नहीं कि कोई कोई कॉपरेशन बना ले कोई कोई अपनी एक एक जैसे कहते हैं संस्था बना ले वो नहीं बनाते ठीक है द स्टोरी ऑल्सो टचिस ऑन द लाइफ ऑफ द बैंगल मेकर्स हु हैव बीन इन द ट्रेड फॉर जनरेशन बट आर नॉट स्ट्रगलिंग टू मेक अ लिविंग ये स्टोरी टच करती है उन बैंगल मेकर्स की लाइफ को जो कि इस जन इस, ज, इस जो इस धंधे में बहुत टाइम से हैं लेकिन आज भी उनकी जो Uh, आज भी जो उनकी uh, जो माली हालात है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब है वो आज भी सुख से नहीं रह रहे उनको कोई प्रॉफिट खास नहीं होता है आज भी वो पॉवर्टी की वजह से गरीबी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं दो वक्त की रोटी भी वो मुश्किल से कमा पा रहे हैं ठीक है इज इट क्लियर थैंक यू ओके लेट्स कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं द नरेटर आस मुकेश इफ ही वुड लाइक टू बी अ पायलट समडे बट ही सीम्स एम्बेरेस्ड एंड रिप्लाईज देट ही इज कॉन्टेंट ड्रीमिंग अबाउट बींग अ मोटर मैकेनिक जो ऑथर थी वो कहती है अरे तुम तो पायलट बनोगे क्या वो ये सुनकर बड़ा शर्मिंदा हो जाता है मैं पायलट काम बनूंगा मैं यहाँ अपने काम धंधों में लगा हुआ हूँ इतनी मेहनत से कमाने की कोशिश करता हूँ तब जाके दो वक्त की मेरे को रोटी मिल पाती है लेकिन उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक जरूर बनना चाहता हूँ ठीक है तो वो कहता है कि बींग मोटर मैकेनिक वो हमेशा सबने देखता था मोटर मैकेनिक के स्कूल टाइम से ही फील्स दैट फ्लाइंग अ प्लेन इज बियॉन्ड हिज रीच गिवन हिज करंट सिचुएशन कहता है प्लेन चलाना मेरे बस की बात नहीं है वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है वो मेरी औकात ही नहीं है कि मैं पायलट बनने की पास पैसा ही नहीं है मैं तो ज्यादा से ज्यादा एक मोटर मैकेनिक का ख्वाब देख सकता हूं मोटर मैकेनिक बनना किसी का ख्वाब है सोच रहे हो क्या हाल होगा वहां ऑथर थ्रू द स्टोरी हल्का सा बढ़ा लेता उसको अगर बढ़ पाया तो दर थ्रू द स्टोरी कॉमेंट्स ऑन द ट्रेजिक जो ऑथर होती है अपनी इस स्टोरी से उस चीज पे प्रकाश डालती है हाईलाइट करती है कि गरीबी की वजह से लोगों की क्या हालत है बच्चों की क्या हालत है उनके परिवार की क्या हालत है पोवर्टी स्ट्रिप्रन दियर इन प्राइज बेसिक एजुकेशन जो गरीबी होती है ना दोस्तों पता क्या करती है आपसे आपकी मासूमियत छीन छी लेती है आपसे आपका बचपन छीन लेती है जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो कूड़ा बीनते फिर रहे हैं जिस उम्र में बच्चों को ख्वाब देखने चाहिए पायलट बनने के वो एक मोटर मैकेनिक का ख्वाब वो गरीबी से जूझ रहे हैं लड़ रहे हैं सो ऑथर इस स्टोरी से इसी चीज को हाईलाइट कर रही है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुनो 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 एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस स्टोरी पे किस चीज पे हाईलाइट किया जा रहा है गरीबी पे कैसे हाईलाइट किया गया है गरीबों को गरीबी में लाइफ कैसी होती है सो इस सबका यही एक कॉमन आंसर जाएगा फिर ठीक है

की जा रही है बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर वहां पे होता है बच्चों से काम कराया जाता है और कैसे गरीबी की वजह से बच्चों के सपने कुचल दिए जाते हैं बच्चों की मासूमियत कुछ ली जाती है इसी के ऊपर एक एक ऑथर ने क्या करा बताया गया कैसे इंसानियत वहां खत्म हो रही है गरीबी की वजह से ठीक है ओके सो ये पूरी कहानी थी दो चैप्टर का पूरा एसेंस था वो मैंने आपको समझाया कुछ आइडिया हुआ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे सिर्फ कॉमेंट में ऐसे थम्सअप लिखो अगर इस कहानी का आपको आइडिया हुआ कि इन दोनों कहानी में क्या है पूरा कॉमेंट बॉक्स मुझे येलो चाहिए तब मुझे आइडिया होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सो so दैट मैं आगे बढ़ सकूं प्लीज कॉमेंट करो जल्दी से अगर क्लियर हुआ है कि नहीं मैं पानी पी लू इतने आप लोग आइडिया करो फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं

कोई डाउट आ रहा है तो अभी कमेंट कर दो कोई डाउट आता है यूट्यूब पे वीडियो जो देखते हो हमारी उस पर कॉमेंट करके पूछ लिया करो हम आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं पढ़ते हैं आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं नजर में खुद नजर मारता हूं कि क्या कमेंट्स आप लोग कर रहे हो आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाती है जो डाउट्स के जो डाउट्स वहीं पे क्लियर कर दिए जाते हैं वहीं पे कर देते हैं दरबा वीडियो की फॉर्म में वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बन जाती है कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पर करना चाहो डियर सर सर्च करो वहां पर आप हमें इंस्टाग्राम पर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो आप यहां कॉमेंट कर सकते हो जहां मर्जी आप कॉमेंट कर सकते हो हम आपको फील करते हैं आप क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है उसको फील करते हैं सो प्लीज कर देना बिल्कुल मत घबराओ, वी आर विद यू गाइज वी आर विद यू फॉर योर एग्जामिनेशन ओके सो गाइज अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं यार मैं मैंने काफी डिटेल में बता रहा हूं यार मैं काफी डिटेल में बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टू देम इज गोल्ड हाउ डू पिकर्स ऑफ सीमापुरी जो कूड़ा है उनके लिए गोल्ड है सोना है रेग पिकर्स कैसे सर्वाइव करते हैं सीमापुरी बताओ ना मुझे आप गार्बेज सोना क्यों है क्यों हो सकता है दिमाग भी लगाओ ना क्योंकि उसी से वो कमाते हैं उसी से वो कमाते हैं उसी में उनको दो चार रुपए की चीजें मिल जाती हैं और वहीं से कमा के उनकी रोजी रोटी चलती है ना दैट्स वाई डिस्क्राइब द लिविंग ऑफ कंडीशन में एक बार और फिर रिपीट करता हूं कि एक क्वेश्चंस के ऊपर ही बेसिक क्वेश्चन प्रीवियसर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनका एक अलग से मैं लाइव सेशन करूंगा आपके एग्जाम से पहले तो जस्ट बिफोर योर एग्जाम विल बी कंडक्टिंग अ लाइव सेशन ओनली ओनली फॉर यू सो स्टे कनेक्टेड ओके लेट्स गो अहेड डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन प्रिवेलिंग इन फिरोजाबाद मेंशन व्हाई द बैंगल मेकिंग बिजनेस डज नॉट गिव बैंगल कंफर्टेबल लाइफ कैसी कंडीशन थी

कैसे आंसर बनाना है उसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाऊंगा मैं मैं सोच रहा हूं आपके लिए वीडियो कि कैसे आप अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में आंसर फ्रेम करें सो so, मैं सोच रहा हूं क्या बनाऊं मैं मुझे बताओ कमेंट करके क्या मुझे बनानी चाहिए ओके okay. आगे बढ़ते हैं हाउ इज मुकेश एटीट्यूड सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब जो मुकेश का एटीट्यूड था वो डिफरेंट क्यों था साहेब के भाई साहिब के साहिब के साथ क्या था कि साहेब ने ना साहेब को ऐसा लगता था कि उसकी फ्रीडम खत्म हो गई है उसकी फ्रीडम खत्म हो गई है वो ज़्यादा इस बारे में सोचता नहीं था उसे लगता था कि वो पॉवर्टी से कभी वो कभी बाहर ही नहीं आएगा जो मुकेश था मुकेश का अब भी ये सपना था वो एम्बिशस था मुकेश क्या था मुकेश ज़्यादा एम्बिशियस था उसके सपने बड़े थे और वो उससे निकलना चाहता था वो जो गरीबी की साइकिल थी उससे बाहर आना चाहता था ठीक है इस तरीके से दोनों के एटीट्यूड में फ़र्क था कि जो मुकेश था ज़्यादा एम्बिशस था नेक्स्ट है इन 1971 बांग्लादेश माइग्रेंट्स केम टू दिल्ली लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ दे आर लिविंग इन सिमापुरी लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब यही है कि वो वहाँ काम कारोबार के लिए जिंदगी के लिए आए थे ठीक है और व्हाट काइंड ऑफ़ लाइफ दे आर लिविंग इन सिमापुरी बहुत ज्यादा कैसी लाइफ एक Uh, एक एक बहुत ही ट्रेजिक लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक लाइफ शॉकिंग लाइफ उनको बितानी पड़ रही है बिकॉज उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है वही वाला इफेक्ट आ जाएगा कि दे ओनली हैव राशन कार्ड दे डोंट हैव एनी अदर परमिट्स दे कैन वोट ऑनली दे कैन गेट द फूड ऑनली अदर देन देट डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज दे आर वर नो स्कूल्स वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं थे जिसकी वजह से उनको क्या होता है उनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते देर इज नो एजुकेशन फॉर देम देर इज नो एम्प्लॉयमेंट फॉर देम एंड दैट्स वाई दे आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ ओके इज इट क्लियर और नॉट मेरे प्यारे बच्चों अरे थक गए क्या मैं नहीं थका आप गए थक गए चलो जल्दी से मूड फ्रेश करो जल्दी से मूड फ्रेश सा करो यार तुम तो थक रहे हो थकना नहीं है अभी थक भी कहां से थक गए जब मैं नहीं थका जिस दिन मैं थक जाओ उस दिन आप थकना चलो स्टार्ट करें मूड फ्रेश करने के लिए पता है कुछ नहीं करना होता ऐसे डीप ब्रेथ लो रिलीज करो आंखें खोलो मुझे देखो खुश हो जाओ आ जाओ अरे तबरा थोड़ी हूं मैं देखो मुझे देख के बताए मुझे देख के तुम लोगों को पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी नहीं आती क्या आती है अच्छा चलो अच्छी बात है आओ देखते हैं भाई मुझे तो सब लोग बोलते हैं कि सर आपको ना देख के हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं होती चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो एक हाथी थी एक चीटी थी सॉरी हाथी थी नहीं एक हाथी था एक चीटी थी एक हाथी था और एक चीटी थी दोनों ना एक स्कूटर पे जा रहे थे हाथी और चीटी दोनों दोस्त हैं स्कूटर पे जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है हाथी मर जाता है चीटी बच जाती है बताओ कैसे बताओ कमेंट करके बताओ दोबारा सुनोगे एक हाथी था एक चीटी थी दोनों दोस्त थे स्कूटर पे जा रहे थे घूमते घूमते एक्सीडेंट हो जाता है हाथी मर जाता है चीटी बच जाती है बताओ कैसे मैं आपको जवाब दूंगा बताओ भाई बताओ कैसे बच जाती है चीटी एग्जाम में नहीं आएगा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आप बताओ मुझे इसका आंसर मैं दूंगा पांच मिनट बाद दूंगा पांच मिनट बाद दूंगा पहले इसका आंसर दूंगा डीप वाटर का ठीक है सवाल दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं बच्चों एक हाथी था एक चीटी थी दोनों स्कूटर पे जा रहे थे हाथी स्कूटर चला रहा था चीटी पीछे बैठी हुई थी हाथी मर जाता है एक्सीडेंट हो जाता है हाथी मर जाता है चीटी बच जाती है कैसे चलो आगे बढ़ते हैं डीप वाटर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर गहरा पानी जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एक बहुत गहरा पानी पानी से रिलेटेड है एक आनी है विलियम डॉगलास की एक बंदा है जिसका नाम है विलियम डॉगला सर सही बात बताऊं जो हम इंडियंस के लिए हम एशियंस के लिए प्रॉब्लम्स है ना वो बाहर वालों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है वो प्रॉब्लम बनाते हैं एक टेंथ क्लास का चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई उस बंदे को आपने भी पढ़ा होगा टेंथ क्लास में उस बंदे को शौक होता है कि मैं अपनी शिप से अपने जहां से पूरी फैमिली के साथ पूरी दुनिया का चक्कर काटू उन्नीस सौ छिहत्तर में खा अब फिर मर, मर मरते मरते बच जाता है भाई अब तुम काम करने ऐसा निकले हो तो, तो चोट तो लगेगी ना भाई अब ऐसे ये, ये विलियम डॉक्स खा पानी का स्विमिंग करूंगा स्विमिंग सीखू स्विम। अरे भाई क्या कर लेगा मत करो स्विमिंग क्या हो गया मुझे भी तो नहीं आती हम नहीं गए कभी गोवा हम नहीं जाते पानी के पास भी डर लगता है नहीं आती स्विमिंग नहीं आती भाई क्या बात है जाने तो जहाने ना कोई दिक्कत नहीं क्या दिक्कत है नहीं आती स्विमिंग कोई बात नहीं नहीं तैरेंगे खुश है हम क्या लाइफ खत्म हो जाएगी नहीं इसको नहीं विलियम डोगलास ने कहा नहीं 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 मैं सीख के रहूंगा वाईमसीए जाऊंगा हमारी तरफ भी एक वाईएमसी समथिंग करके यमुना क्रीडा स्थल है वाईएमसी है क्या वो भी यमुना क्रीडा स्थल है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको हमारे दिल्ली में इधर विवेक विहार की तरफ है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैं नहीं किया कभी भी भाई मैं क्यों जाऊं नहीं सीखनी मुझे स्विमिंग मैं खुश हूं ऐसे ही क्या प्रॉब्लम हो गई ठीक है लेकिन अब ये अंग्रेज के लोग इन लोगों को बड़े बड़े इनको ना फितूर सवार होते हैं इनको ना किक नहीं मिल रही होती ये कहते किक चाहिए और उस किक को फिर कहते देखा हमारा मोटिवेशन भाई शुरू किसने किया था तुम्हें रोटी का प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है रोजगार का प्रॉब्लम नहीं है एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है तुम प्रॉब्लम चाहते हो अपनी लाइफ में और हम इंडियंस विचार हम कहते हैं भाई नौकरी मिल जाए रोटी टाइम पे मिल जाए खुश हो जाएंगे लेकिन ये ये नहीं मानते है इसको, ब, इसको ना बंदे को ना इसको ना पानी से डर लगता था पानी से डर लगता था अरे कैसे अपने पानी का डर निकालता ये कहानी चलो पढ़ते हैं कैसे निकालता है पांच मिनट हो गए क्या जवाब दू भाई मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि एक हाथी था एक चीटी थी दोनों स्कूटर पे जा रहे थे एक्सीडेंट हो जाता है हाथी मर जाता है चीटी बच जाती है कैसे उसका जवाब अभी दूंगा अगले पांच मिनट में रुक जाओ

ये कहानी तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया अब आज उसकी समरी देखते हैं ताकि एक समरी के अंदर सारी चीजें एक चैप्टर का मोटा मोटा हम निपटा दें ठीक है आओ लेट्स फाइंड आउट दी समरी चेक आउट दी समरी क्या है द ऑथर हैड अ फियर ऑफ वाटर ड्यू टू अ प्रीवियस इंसिडेंट वेर ही वॉज थ्री और फोर ईयर ओल्ड जो ऑथर था ना विलियम डॉगलास उसको ना एक बहुत ज्यादा ना डर था पानी का वो भी कब एक इंसिडेंट हुआ था जब वो तीन चार साल का था तब से ही बिगिन बाय शेयरिंग एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट अकर्ड वेन ही वॉज अराउंड टेन और इलेवन ईर्स ओल्ड ओल्ड ठीक है एक 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 सेकंड ही बिगिंस बाय शेयरिंग एन अन इवेंट दैट अकर्ड व्हेन ही वाज अराउंड टेन और इलेवन इयर्स ओल्ड वो अपनी कहानी शुरू करता बता दें जब वो दस ग्यारह साल का था तो उसके साथ क्या हुआ था वाई एट द कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर ही वॉज नॉक डाउन बाय द वे एंड ब्रीड इन द वॉटर लीडिंग टू हिज फियर ऑफ वाटर जब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर था वॉज किक डाउन बाय आई और उसको गिरा के फेंका ठीक है और क्या हुआ था और वो पानी के अंदर डूबसा गया था और जब से उसको पानी का डर बैठ गया था ठीक है ये बता रहा हूं अपनी कहानी में अब देख रहे हो इसकी कहानी बेचारे की कहानी शुरू ही कैलिफोर्निया बीच पे होती है मैं बता रहा हूं मैं कभी गया नहीं हूं बीच पे आई हैव नेवर बीन टू अ बीच कभी नहीं गया मैंने बीच देखा ही नहीं मैंने समुद्र ही नहीं देखा अरे तो मतलब मैं तो म, क्या ही डर लगेगा ठीक है तो भाई देखो इतने बढ़िया लोग होते हैं ऐसी जगह रहते हैं बीच होता है कैलिफोर्निया बीच बढ़िया बीच पे अपने पापा के साथ पापा के साथ देखो, अपने अपनी बात है नसीब की बात है भाई के साथ, man, पापा के साथ वहाँ पे कर रहे हो। However, दो रोटी नहीं हो मिल पा रही पढ़ाई नहीं है पढ़ाई नहीं है घर नहीं है रहने को ये देखो ये घर से बाहर निकल गए बीच पे है सो so, दोस्तों पढ़ाई करो पढ़ो लिखो देश तरक्की करेगा आप तरक्की करोगे आप तरक्की करोगे देश तरक्की करेगा इस तरह से चलेगा भाई तो ऐसी कंट्री हमें बनानी है मिलकर पढ़ लिख कर जहां पे हम सबकी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो एक स्टैंडर्ड हो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो हमारा ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग एट विद न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस लेकिन वो डिसाइड करता है मुझे ना वाई एम सी एल मतलब स्विमिंग पूल एक, एक एक इस तरह से एक है वहाँ पे वो जाता है कहता है मुझे स्विमिंग सीखनी है अब उसके साथ क्या होता है देखो ही स्टार्टेड बाई पेडलिंग अराउंड इन द वाटर विद हिज वाटर विंग्स वो ऐसे पैर मार के स्टार्ट करता है एक वाटर विंग्स ले लेता है ताकि वो डूबे ना स्टार्ट करता है अपना स्विमिंग सीखना ही ट्राइड कॉपिंग दी अदर बॉयज हु हैड कम टू विज स्विम इन द दूल और बाकियों को भी देख के ऐसी तो करोगे ना देखो फील करो इस चैप्टर को आपको स्विमिंग नहीं आती बचपन से डर लगता है कि यार स्विमिंग वगैरह से डर लगता पानी से डर लगता है आपने कहा यार मैं सीखूंगा आप गए किसी पूल में और अपना कपड़े कपड़े उतार के उसमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कूदी मार दिया आपने अब कूदी मार के अब आप देख रहे हो अच्छा जैसे ये कर रहा है वैसे मैं करूंगा ये ये कर रहा था वो ठीक है

और होते हैं ना एक बुलिंग बुलिंग टाइप के बंदे होते हैं ना जो बुली करते हैं लोग एकदम ऐसे मज़े ले लेते ले हैं किसी को भी उठा के फेंक दिया क्लास में भी होते हैं ऐसे कुछ नहीं मिलता डेस्क उठा लेते हैं यूँ हाथों में कुर्सियाँ उठा लेते हैं दे के मारते हैं कोई खाम खा एक शरीर सा बालक होगा खड़ा होगा ए क्या कर रहा है खा मगा मज़े लेने के लिए किसी की बॉटल छीन ली किसी का लंच छीन लिया वो वाले बच्चे आप तो नहीं हो ना वो नहीं हो ना भाई मैं तो कभी नहीं था मैं बड़ा शरीफ बालक था मैं ऐसा ही था डॉग्लास जैसा हाँ चलो अच्छा पूछ रहे पांच मिनट हो गए मैं बता देता हूं मैं उस उस पहेली का मतलब बता देता हूं एक हाथी थी एक चीटी थी हाथी थी नहीं वाला मतलब हाथी था ठीक है एक हाथी था एक चीटी थी दोनों स्कूटर पे जा रहे थे दोनों दोस्त थे स्कूटर पे जा रहे थे आराम से एक्सीडेंट हो गया हाथी मर गया चीटी बच गई पता है क्यों चीटी ने हेलमेट पहन रखा था हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है इसीलिए कहते हैं आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनो जब भी टू व्हीलर पे सवारी कर रहे हो हाथी मर गया हेलमेट नहीं था चीटी बच गई हेलमेट था

वो प्लान करता है कि मुझे कैसे भी वापस आना है पानी से बाहर आना है और वो इमेजिन करता है कि वो एकदम पूल से ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसे ही वो इकलाम मारेगा ऊपर आ जाएगा वैन ही फाइनली टच द बॉटम ऑफ द पुल द ऑथर कि हार्ड विद ग्रेट फोर्स एंड ट्राई टू रीच द सर्फेस हाउ वर ही फेल्ड लेकिन वो कोशिश करता है पैर मारता है लेकिन वो फेल हो जाता है वो नहीं ऊपर आ पाता है ही ट्राई टू स्क्रीम वो चीखना चाहता है बट नो साउंड कम आउट लेकिन कोई आवाज़ उसके मुंह से नहीं निकलती है इवेंचुअली ही वॉज एबल टू रीच द सर्फेस एंड टेक अ ब्रेथ टेक अ ब्रेथ बट ही क्विकली स्टार्टेड रॉनिंग अगेन Again. वो थोड़ा सा ऊपर आ पाता है सांस लेता लेकिन फिर नीचे ए, एक सोचो ना यू पैर मारा हल्का सा तो ऊपर आओ फिर नीचे को चला गया ये हुआ उसके साथ दोबारा से क्या स्लो मोशन में चालो, आओ, फिर क्या होता है पूल बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद भी मारने के बाद भी ऊपर आने के बाद भी वो फेल हो जाता है और निहायती और ज्यादा मजीद डूबने लगता है फिर क्या होता है he screamed in terror, but it was of no वो चिल्लाने कोशिश करता है, वो डर के मारे चिल्लाता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस और अंत में वो बेहोश हो जाता है क्या हो जाता है बेहोश हो जाता है द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्ड वॉज हियरिंग पीपल टॉकिंग अगले बस उसकी आंख तब खुलती है जब सुनता है लोग क्या कर रहे होते हैं द बॉय हुएक जब उसकी आंख खुलती है तो उसको बस सुनाई आता है वो जो जो आया था ना मुस्कुरा जिसने उसको था के

वो जब घर जाता है इमोशनली वे डाउन कॉन्फिडेंस एकदम धड़ से नीचे गिरा हुआ और उसे ऐसा लगता है कोई फिजिकली ना कोई उसका यूं ऐसा प्रेशर में आया हो गिर जाया हो कमज़ोर महसूस करता है ठीक है क्योंकि उसको ऐसा लगता है वो फिजिकली बहुत कमजोर है जैसे आप जिम जाते हो ना अब पूल तो आप में से कोई नहीं जाता होगा आप भी मेरे जैसे सारे हैं ना स्विमिंग पूल तो नहीं गए होंगे स्विमिंग सीखने ठीक है तो आप जिम जाते हो जिम में आप देखते हो भाई हाँ भाई कैमरा पर्सन जिम में होता है ना वो पाँच पाँच सौ किलो लगा रहे होते हैं ए भारी भारी डम्बल उठा रहे होते हैं तो जो पहले पहले दिन जाता है ना वो बेचारा बालक वैसे देखता वो जाता है वो देख रहा होता है कि यार ये तो मैं अगले दस साल में भी नहीं उठा पाऊंगा ये कैसे उठा रहा है वो हाल उसका भी होता है वो वो पहले ही डरा हुआ होता है कि यार ये लोग तो इतनी बड़े स्विमिंग करते हैं मुझसे तो आती नहीं ऊपर से कोई आके तुम्हें पूरा एक बड़ा सा डम्बल तुम्हारे हाथ में रख दो और तुम गिर जाओ लेके वो वाली बात है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई आ जाओ अ फ्यू इयर्स आफ्टर हिस्सोमैटिक एक्सपीरियंस एट द वाईमसी पूल द ऑथर कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद विद अ फ्यूअर ऑफ वाटर कुछ साल बाद तक भी वो वाई एम सी पूल में उसको वो याद रहता है वो जो उसकी मेमोरीज होती है उसका नाइट मेयर टाइप का हो जाता है और वो अपना स्ट्रगल जारी रखता है जो वो सॉरी उसका स्ट्रगल हमेशा रहता है कि उसे अब भी पानी से डरी लग रहा होता है क्योंकि वाई एम सी पुल में उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था ही फेल्ट पैरालाइज एंड एंडल टू मूव हिज लेग्स एंड वॉज नॉट एबल टू इन्जॉय स्विमिंग एंड बोटिंग अब वो ना पैरालाइज फील करता है खुद को उसकी टांगे चलती नहीं सहम जाता है ठंडा पड़ जाता है पानी को सोचते ही पानी में जाते ही और ना वो बोटिंग कर पाता है ना वो स्विमिंग कर पाता है फिर क्या होता है हिज फियर रिमेन एज इट इज और उसका जो फियर था वो एज इट इज ही रहता है क्योंकि उसके साथ इतना ज़्यादा फियर पहले ही फियर था बचपन में दस साल की उम्र में उसके पप्पा कैलिफोर्निया बीच वहाँ पर गड़बड़ जाती है वहां वो पानी में डुबता डुबता उठता है वहाँ एम पूल में जाता है जब जब उसको लड़ना एक लड़का आता है और उठा के पटक देता है बेचारे को तो अब वो ऐसे ही सा हो गया था डर लगने लगा था पानी से इन अक्टूबर अट्टोबर था बाय स्टेप अप्रोच टू लर्निंग टू स्विम With the help of any instructor. अच्छा पैसा भाई साहब पचास हजार रुपए महीने का दूंगा स्विमिंग सिखा दो मेरे को कहता है, ठीक है सिखा देंगे बात खत्म है देखो तो यार पैसा कमाओ अच्छा काबिल बनो पढ़ो लिखो अर्न मनी एंड मेक योर लाइफ ईजी ठीक है अब क्या करता है वो अब वो यही करता है भाई वो अक्टूबर में डिसाइड करता है कि भाई अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप सीखूंगा एक इंस्ट्रक्टर को रख लेता है ओवर द कोर्स ऑफ थ्री मंथ्स और तीन महीने के कोर्स में तीन महीने के दौरान ये प्रैक्टिस स्विमिंग डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ की प्रैक्टिस करता है ठीक है विद अ रोप टाइड अराउंड हेम गाइडेड बाइज इंस्ट्रक्टर एक रस्सी बांध के डूबे ना उसका कहता है अरे मेरा हल्के वो अब भाई इंस्ट्रक्टर है पैसे बात का मिल रहा है उसको तो पैसे इस बात का मिल रहा है तो उसका ख्याल लगता है अरे मेरा बाबू डूबा तो नहीं अरे 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 बालक अरे बच्चा अरे मेरा क्यूट बच्चा है ले आराम ले, से डरना नहीं डरना वो उसकी एक एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखता है तो भाई जब ख्याल इतना रखा जा रहा होगा तो फिर स्विमिंग के आदमी तो आदमी हवा में उड़ना सीख जाएगा फिर तो चलो आगे बढ़ते हैं ही ग्रेजुअली ओवरकेमज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न टू ब्रीद अंडर वाटर अब वो धीरे धीरे उसका डर निकलने लगा और पानी के अंदर भी सांस लेना है नाक बंद करके वो सांस रोक लेते ना वो करने लगा अब वो पैनिक जो था ना उसको फियर ऑफ फोबिया हो गया था ना वाटर फोबिया हो गया था तो एक्वाफोबिया बोलते हैं उसको वो उसका खत्म हो गया था इवेंचुअली द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर दैट ऑथर यॉज रेडी टू स्विम ऑन इज ओन और इंस्ट्रक्टर कहता है सीख गया चिले सीख गया बेटा अब आप सीख गए अब आप अपने आप सीख सकते हो लेकिन ऑथर को यकीन ना है खुद पे ही हमें इतना शक होता है ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग में होता है ना मैं आपसे कहता हूं अब आप इंग्लिश स्पीकिंग करने लायक आप नहीं सर नहीं नहीं अभी नहीं आई अरे भाई भाई आ गई ट्राई तो करो नहीं नहीं सर अभी हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आई हम अटक जाएंगे अरे भाई बोलो तो सही ठीक है ऐसे उसके बाद वो कहता है भाई तुम्हें स्विमिंग आ गई है लेकिन वो क्या कहता है विलियम डब्लस कहता है नहीं 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 अभी कहा? अभी तो मेरा दिल एकदम एकदम मुंह में आ जाता है हलक में आ जाता है मैं मैं नहीं नहीं मैं नहीं फिर कहता है ऑल दो अप्रूवल फ्रॉम द द इंस्ट्रक्टर ऑथर वाज स्टिल अनश्योर ऑफ हिज एबिलिटीज ही कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग इन द पूल अंटिल जुलाई स्टिल एक्सपीरियंसिंग मोमेंट्स ऑफ फियर वो कहता है nah, नहीं अभी और करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा जुलाई तक वो प्रैक्टिस करता है और तब भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कुछ ऐसे पल आ जाते हैं ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां मुझे डर लगने लगता है स्टिल फियर ऑफ वाटर व्हाट विलियम डॉगलस स्टिल फियर्स ऑफ वॉटर थॉट डॉगलस इवन आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर अ पेड इंस्ट्रक्टर ही हायर्ड ओके इज इट क्लियर ऑन नॉट ओके आगे बढ़ते हैं हाउ एवर टू हि सरप्राइज एन ही वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द लेक एंड बैक विदाउट एनी ट्रबल लेकिन उसको यकीन नहीं आता कि वह जब वॉर्म लेक एक लेक होती है उसमें स्विम करता है तो आसानी से स्विम भी कर लेता है और वापस भी आ जाता है ही वॉज फाइनली गेट रेड ऑफ इस वॉज फाइनली रिड ऑफ इज फियर ऑफ वॉटर स जॉय वो फाइनली अपने पानी के डर से मुक्ति पा लेता है और मजा बहुत इंजॉय फील करता है con uh, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं इज सेटिंग दैट दी ओनली थिंग टू फेयर इज फियर इट सेल्फ एंड दैट देयर इज पीस एंड डेथ तो वो बताता है कि किस तरीके से उसको डर निकल जाता है कहता है कि जो मेरा डर था ना भाई ये वही समझ सकता है जिसका कोई मन में डर रहा हो कभी किसी के चीज़ से उस इंसान को डर लगा होगा ना वही मेरे दर्द को समझ सकता है और कोई मेरे दर्द को नहीं समझ सकता है ये विलियम डॉगलस कहता है वो एक डी रूजवल्ट एक हमारे प्र, प्रेजिडेंट थे हमारे मतलब अमेरिका के यूएस के प्रेजिडेंट थे उनका एक कोट करता है कि भाई उन्होंने कहा था कि जो फियर है फियर इज़ फियर इट्स है एंड देर इज़ नो पीस टू डेथ देर इज़ देर इज़ पीस इन डेथ और वो ये था ना कि दो दिन की बोलते ना कि शेर की जिंदगी भेड़ बकरी की जिंदगी कौन सी भेड़ की जिंदगी कौन सी जिंदगी से, से बेहतर है सौ साल की जिंदगी से बेहतर है वही वाले ये चीज कोट करता है अब इसके कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस वो देख लेते हैं इस कहानी में आपको कुछ भी मोटा मोटा कुछ कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं थोड़ा पानी पी लूँ आपकी इजाज़त हो तो पानी भी खत्म हो गया क्या नहीं इस वाली बोतल को पसीने इतना आ रहे हैं ना मुझे डर लग रहा है कि ये मेरा गला ही बंद ना कर दे मुझे सादा पानी ला दो प्लीज़ नहीं मैं सच में देखो ना यार देखो कितना पानी है इसमें मतलब इसको पसीना आ रहा है बिल्कुल ठंडा इसे पी के कहीं मुझे फियर ऑफ वाटर हो जाए वो नोस सो गाइज कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें इज इट क्लियर और नॉट कॉमेंट करके बताओ इसे लाइक का बटन स्टोरी समझ में आ गई थैंक यू थैंक यू समझ में आ गया कि नहीं आ गया ठीक है गेस इट्स क्लियर इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ थैंक यू फॉर फोर थाउजेंड मोर देन फोर थाउजेंड लाइक यू जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक किया है थैंक्स लॉट और जिसने अभी तक नहीं लाइक किया प्लीज अभी इसको लाइक करो प्लीज लाइक करो ताकि मेरी मेहनत आपके लिए मैं खड़ा हूं तो मुझे लगे कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ हैं मैं उनका साथ दे रहा हूँ वो मेरा साथ दे रहा हूँ हम दोनों का एक ही गोल एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना ठीक है कोई भी पूछे किससे पढ़ के आए वो बोल देना डियर सर से पढ़ के आए हाँ oh, oh. रुकेंगे नहीं थकेंगे नहीं फियर ऑफ एग्जाम निकालेंगे फियर ऑफ इंग्लिश निकालेंगे अब विलियम डोगलस की तरह हम भी कामयाब हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके

ऐसा ही होता है बिल्कुल होता है एलोबरेट करना इस स्टेटमेंट को विलियम डगलस के सामने तो बोलेंगे भाई इस पूरी कहानी बता देनी ना विलियम डोगलास की भाई विलियम डगलास क्या था हेड ऑफ फियर ऑफ़ वाटर और तो दस साल की उम्र में उसके पास उसे वेव्स के हिट कर दिया था वो गिर गया था और फिर क्या होता है वैन ही जॉइन वाई एम सी ए पुल वहाँ पे एक बुली बंदा आया था बुल करने एटीन ईयर का मस्कुलर बंदा उसने उसको आगे क्या उसको फेंक दिया था इस वजह से उसको ऑर्डर बैठ गया था और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा फियर ऑफ वाटर था बट इवेंचुअली ही प्लानड इट उसने उसको प्लान किया हाउ टू स्विम एंड ही हैड एन इंस्ट्रक्टर फॉर दैट एज वेल उसने एक इंस्ट्रक्टर को भी रख लिया एंड बाय दिस तरीके से रेड ऑफ द फियर ऑफ और इस तरह से उसका फियर ऑफ वाटर निकल गया तो हम कहेंगे कि आ, अगर इसको और बढ़ाना मैटर करता है किस चार नंबर में छह नंबर में कितने नंबर में सवाल पूछा गया अगर लॉन्ग आंसर बनाना है तो इसको थोड़ा और लॉन्ग भी कर सकते हैं फिर हम बता देंगे कि भाई वो चाहता तो ही कुड हैव लिव्ड हिज लाइफ एंड हिज एंटायर लाइफ विद अ फेयर ऑफ द वाटर वो चाहता तो अपनी जिंदगी हमेशा पानी के डर के साथ ही जी सकता था बट ही चोज नॉट टू नॉट टू लिव लाइक लाइक ए कावर्ड उसने एक कावर्ड की तरह जिंदगी जीने का फैसला नहीं किया एंड इवेंचुअली ही गॉट ही गॉट द सक्सेस एंड गॉट रेड ऑफ वाटर सो दैट्स वॉट इट्स ऑल अबाउट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हेल्प ऑफ करेज वन कैन अचीव अ लॉट हाउ डिड वाटर देखो इसमें इस चैप्टर में ना इस से बहुत ज्यादा अलग सवाल नहीं आने वाले इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि विलियम डग्लस का फियर उसका डर और गेट रिड ऑफ डर डर क्या था

वेरी वेल ओके सो क्या मैं अगले चैप्टर की तरफ मुड़ जाऊ दी रेट ट्रैप की तरफ आ जाऊ मेरा फेवरेट चैप्टर कैन वी गो ahead? दो सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ा मजा आ रहा है मैं इस वक्त ना मैं बिल्कुल नम फील कर रहा हूं बिल्कुल सुन हूं मैं क्योंकि मुझे बस एक चीज पता है कि मैं इन चैप्टर को एंजॉय कर रहा हूं आपके साथ एंजॉय कर रहा हूं और मेरा एक ही गोल है एक ही मेरा मोटिव है कि आपके मार्क्स स्कोर करवाऊं आपको इन चैप्टर्स को समझाऊं कितने आसान है ये बता पाऊं इंग्लिश में स्कोर करना कितना आसान है कैसे टेक्निकली स्मार्टली आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं ये बता दूं दैट्स माय ओनली गोल राइट नाउ सो ऑल आई कैन फील इज एन इमेंस जॉय अ प्लेजर अ प्लेजर टू वी विथ यू प्लेजर टू हेल्प यू अ प्लेजर टू गेट लव फ्रॉम यू ओके क्या आगे बढ़ जाए थैंक यू अच्छा क्या चाहता हूं खत्म करने से पहले पहले वी शुड मैं आगे बढ़ता हूं मैं अपना काम करता हूं आप अपना काम करिए आपका काम है ध्यान से मुझे सुनना अपना प्यार देना और मेरा काम है आपको समझाना प्यार से समझाना रेट रे रेट रेप रेट रेप रेट चुए होता है क्योंकि चुए उसकी कहानी है कहानी किसकी है बहुत प्यारी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द रेड ट्रैप एक चूहे दान चूहे दान क्या है इसमें ना एक चूहे दान बेचने को बेचने वाला एक रेड ट्रैप सेलर होता है जो चूहे दान बेचता है लोगों को ऐसे गली मोहल्ले में होता है चूहे दान ले लो चूहे दान ले लो ऐसे चूहे दान देता रहता है अब लोग ले लेते थे उससे ऐसे वो अचानक सोचते सोचते वो वो कहता है कि यार वो कहता है कि यार छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था अपनी जरूरत पूरी करने कौन ही खरीद रहा है रोज रोज कोई नहीं खरीदता ना कोई नहीं खरीदता था तो वो क्या करता था वो ना थोड़ी बहुत चोरी रही, चोरी चकारी भी कर लेता था जहाँ उसको कहीं कुछ खाने पीने को मिलता मौका मिलता वहीं पर वो हाथ मार के हाथ साफ करके चला जाता था तो एक दिन वो टहलते टहलते सोचता है कि यार ये जिंदगी भी एक चूहेदान की तरह है जिसके अंदर हमें बेट यानी एक चारा एक ही ऐसे लटका देता ना रोटी का टुकड़ा एक देसी घी का रोटी का टुकड़ा आ जाता है जिसको देखते हैं उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं ऐसे दौड़ पड़ते हैं और हम उस लालच के अंदर उस चारे को हासिल करने के अंदर उसमें फंस जाते हैं और हमें कभी सुकून नहीं मिल पाता दैट द द थॉट ऑफ उसकी सोच थी दोस्तों ऐसे ही तो होता है आपके मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है हमारे लिए रेड ट्रेप में वो चारा चारा क्या मनी पैसा इस दुनिया में वो जो चारा है वो जो चूहेदान के अंदर रोटी होती है वो रोटी का टुकड़ा हमारे लिए मनी है हम भी तो एक दो वक्त की रोटी के लिए पैसों के लिए भागे चले जाते हैं और अपनी खुशी अपना सुकून अपने रिश्ते सब खत्म कर देते हैं सिर्फ पैसे के लिए जैसे वो गाना है ना वो वाला तूने पैसा बहुत कमाया चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है तूने पैसा बहुत कमाया आगे क्या लिरिक्स आप मुझे बता दो क्या था आप लोगों ने नहीं सुना आप छोटे होंगे मैं मेरे जमाने का गाना है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है ऐसे करके है सॉन्ग उसके लिए कि कैसे कोई लोग भाग जाते पैसे वैसे कमाने के लिए भूल जाते अपनों को तो वही रेड ट्रेप सेलर सोचता है उसकी कहानी है बहुत प्यारी कहानी है कि कैसे वो घूमते हुए ऐसे जा रहा होता है वो एक जगह से चोरी कर लेता है और फिर चोरी करने के बाद भी फिर उसे रियलाइज होता है कुछ अच्छे लोगों से मिलता है वो जहाँ उसे एहसास होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए वहाँ से वो सुधर जाता है बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है सो विदाउट एनी डिले लेट्स लेट्स रीड दिस स्टोरी

एक तो है मोनोटोनस मोनोटोनस मतलब जो एक तरह का हो जाता है यानी बोरिंग और मतलब ट्रेवलर जो घूमने फिरने वाले होते हैं बेट मतलब चारा फूड टू एंटा स्प्रे स्नेर मतलब ट्रैप मतलब किसी जाल में फंस जाना क्रॉफ्टर क्रॉफ्टर बोलते हैं किसी भी एक छोटी सी जगह के किसान को जो मालिक होता है उसका या जिसने किराए पे ले रखी होती है

एग्जाम में बना पाऊंगा खाली नहीं छोड़ के आऊंगा मुझे मैं 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 मैं, मैं अपने डियर सर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा उन्होंने मेहनत की थी उन्होंने मुझे समझाया तो प्यार से बहुत प्यार से मैं लिखने लायक हो गया हूं उनकी मेहनत को वसूल करूंगा करोगे ना करोगे ना चल आओ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आओ रेड ट्रैप पढ़ते हैं द रेड ट्रैप इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सलमा लेगल ऑफ इट इज अबाउट अ पुअर होमलेस मैन होमलेस मैन हु हिज लिविंग बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स कहानी है एक गरीब एक बेघर आदमी की जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए रेड ट्रेप चूहे दानों को बेचा करता है थीफ बैगर अलोन वो कैसा है वो अकेला भी है वो एक भिखारी भी है भीख भी मांग लेता है चोरी भी कर लेता है उसे सिर्फ खाना चाहिए उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी है बस इसके अलावा और कुछ नहीं नेक्स्ट He thinks the the whole world is a giant red trap with different beads in the form of of the comfort of the life, trapping us into the इन trap of the world and leading us to ट्रैपिंग वो कहता है कि पूरी दुनिया ना पूरी दुनिया क्या ना एक, -एक चूहेदान की तरह है जहाँ पे जो comfort है ना जो comfort जो हम पाते हैं घर जमीन दौलत गाड़ी बंगला ये सब comfort क्या है एक ट्रैप है मनी मनी में मनी कह रहा हूं इसको। एक ट्रैप एक एक मतलब रोटी के टुकड़े से, से देखो, 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 देखो तुम्हें ये चाहिए तुम्हें एक बड़ा बंगला चाहिए हाँ, हाँ चाहिए जाके उसका मर्डर कर दो कर दिया तुम्हें तुम्हें ये लंबी गाड़ी चाहिए हाँ, हाँ, हाँ चाहिए जाओ उसको धोखा दे दो धोखा दे दिया इस तरह से ठीक है और इस तरह से हम उस जाल में फंस जाते हैं और क्या करते हैं और मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं तुमने उसे धोखा तो दे दिया लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का क्या जिंदगी भर तुम मुसीबत भरोगे किसी को धोखा देने के बाद कभी एक रात सुकून की नहीं बिता पाओगे तुम्हारे दिल पे बोझ रहेगा दिमाग पे बोझ रहेगा और तुम्हारे साथ भी कभी अच्छा नहीं हो पाएगा जिस सुकून की तलाश में तुम घूम रहे थे वो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा आगे बढ़ते हैं।

वो वो बताता है कि कैसे वो बकरी का दूध बेच के काफ़ी पैसा कमा लेता है और उसने उसको बताया था कि देखो बकरी का दूध बेच के ना मैंने ये पैसे कमा रखे हैं तो वो क्या करता है रेड ट्रैप से उसको तो अपनी आदत से मजबूर था उसे बाद में एहसास होता है ना कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है पहले तो वो ऐसा ही था ये कहानी कहानियाँ से शुरू होती है कि वो ऐसे जा रहा था उसे एक आदमी मिला उससे कहा यार मैं, 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 मैं एक रात ठहर जाऊँ आपके घर में मेरे पास घर नहीं है होमलेस था ना वो होमलेस था उस पर कोई घर नहीं था ठीक है घर से आया पता बताए एक बार बताए क्या होता है सुनो ना मेरी बात एक बार ना एक चीटी होती है एक हाथी होता है एक चीटी होती है एक हाथी होता है हाथी की ना शर्ट चोरी हो जाती है हाथी की शर्ट चोरी हो जाती है और वो इल्जाम चीटी पे आता है और हाथी पहचान लेता है हाथी पहचान लेता है कि चीटी ने शर्ट चुराई है बताओ कैसे बताओ कैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक हाथी होता है एक चीटी होती है हाथी की शर्ट चोरी हो जाती है और इसका इल्जाम चीटी पे आता है हाथी पहचान लेता है ये जरूर चीटी ने चोरी की है बताओ कैसे चीटी के किस काम की इसका जवाब मैं दूंगा चलो आगे हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं तो क्या करता है वो पैसे चोरी करके ना क्रॉप्टर की वो वहां से चला जाता है

इस आदमी को तो मैं जानता भी नहीं इसको क्या हो गया भाई ये क्यों भावुक हो गया होता क्या है वो जो आयरन मास्टर होता है वो जो जैसे मैं कह सकता हूं कि एक, एक तरह का लुहार मान लो वो वो जो होता है वो क्या करता है वो, वो उसको सोचता है है कि उसका कोई पुराना दोस्त है. अब क्या होता है आयरन मास्टर हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड एंड टू अ क्रिसमस सेलिब्रेशन वो कहता है अरे यार तुम तो अपने आदमी पुराने कहां थे तुम कैप्टन ऐसे कह के उससे बात करता है और उसको बोलता है कि तुम ना हमारे हमारे ना क्रिसमस सेलिब्रेशन उसमें जरूर शामिल होना दोस्त रिजेक्ट मास्टर ऑफर बट ऑफर वो है मैं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे उसमें अब चोर था था डल लग रहा था। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे क्रिसमस सेलिब्रेशन में लेकिन उसकी बेटी कहती, बेटी कहती है जो मास्टर की बेटी होती है बड़ी प्यारी होती। वो कहती है अरे आएंगे नहीं आप सच में नहीं आएंगे आइए ना अच्छा लगेगा हमें आप आए आपको इतने प्यार से बोले और वो भी कोई लड़की तो भाई वो भी उस, वो भी है वो पिघल गया पिघल गया भाई पिघल गया उसने हाँ बोल दी चलो आ जाऊंगा जी कोई नहीं उसकी डॉटर ने क्योंकि उसकी डॉटर बहुत ज्यादा क्या थी स्वीट थी बहुत ज्यादा काम थी और उसके अंदर जो जो परसुएजन स्किल्स थे ये क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे वो उसकी बात मान गया था और उसकी नहीं माना आयरन मास्टर की बात तो नहीं माना था लेकिन उसकी बेटी की वजह से डॉटर की बात को मान गया था एक्सेप्ट कर लिया था ऑफर क्रिसमस सेलिब्रेशन का क्यों क्योंकि उसकी डॉटर क्या थी उसकी परसुएजन स्किल्स ज्यादा अच्छी थी इस वजह से ठीक है नेक्स्ट बहुत पोलाइटली उसने बात करी थी तो मान गया था बट इवेंचुअली केम टू नो दैट द पेलर इज अ थीफ दे रिग्रेटेड एंड थॉट ही वुड हैव स्टोलन ऑल द थिंग्स लेकिन वो लोग क्या करते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा होता है वो किसी ज्यादा फालतू तो बात भी नहीं करता उसको वो नहलाते हैं धुलाते हैं जो आयरन मास्टर होता है उसे अपना दोस्त समझता है कैप्टन समझता है और वो क्या करता है पेडलर को नए कपड़े देता है उसको नहलाता है धुलाता है सब कुछ करता है ठीक है वो सब कुछ होने के बाद वो तैयार हो जाता है और ये लोग कहाँ चर्च चले जाते हैं बाप बेटी बाप बेटी चर्च में गए होते हैं आयरन मास्टर की डॉटर तब उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे क्रॉफ्टर का पैसा चोरी हो गया है वो जब क्रॉफ्टर था ऐलान होता है कि वैसे से चोरी हो गया अब उन्हें लगता है अरे ये तो वो ही है ये तो चोर वो ही निकला सारे पैसे हमारे भी चोरी कर लिए होंगे और भागते हुए लेकिन उन, उनको बड़ा सरप्राइज होता है कि जो जो चोर होता है वो जो पेडलर होता है वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसने कुछ चोरी नहीं किया था बल्कि बल्कि उसने तो गिफ्ट करा था किसको गिफ्ट करा था उसकी जो बेटी थी ना उसको गिफ्ट देके गया था गिफ्ट में क्या देके गया था एक तो चुहे दान दे दिए थे और तीन नोट थे दस कॉनॉर के तीन नोट ऐसे मान लो दस रुपए के नोट कॉनॉर वर्ड यूज होता है इनमें वहां कॉनर चलता था तो तीन नोट थे जो कि लिपटे हुए थे ऐसे मसले हुए ऐसे थे वो जो क्राफ्टर ने चोरी किया था वो वो भी दे देता और कहता है उस क्राफ्टर को वापिस कर देना ऐसा क्यों होता है आगे बताते हैं क्योंकि उसका दिल बदल चुका होता है नॉट जस्ट ही ऑल्सो लेफ्ट अ लेटर आस्किंग द एन डॉटर टू रिटर्न द मनी ही स्टोल फ्रॉम द क्रॉफ्टर ही रियलाइज दैट द काइंडनेस ही रिसीव फ्रॉम द एन मास्टर वॉज जेनविन एंड नॉट जस्ट अ ट्रैप एंड रिटर्न्स दी मनी रियलाइजिंग दैट द काइंडनेस ही रिसीव फ्रॉम द एन मास्टर वॉज जेनविन एंड नॉट जस्ट अ ट्रैप वो सब इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन मास्टर होता है ना उसे उसको बहुत सेवा की होती है उसको खाना खिलाया होता है पिलाया होता है रहने के लिए घर दिया होता है और अपने मेहमान बना के रखा होता है तो इतना प्यार उसे मिल जाता है कि समझ में आता है कि ये ट्रैप नहीं था ये जाल नहीं था ये लालच नहीं था वो जो प्यार उसे आयरन मास्टर उसकी बेटी की तरफ से मिला वो जैनवन था वो सच्चा प्यार था वो वो एक, एक अच्छा दिल था उनका एक

बस कुछ वक्त के लिए वो छुप जाती हैं, वो दब जाती हैं। कैसी लगी कहानी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हाँ वो सवाल था कि भाई चीटी और हाथी का सवाल था सबसे पहले तो हमारे को हम बता दें कि अब। हाँ जी चीटी और हाथी की कहानी थी कि भाई हाथी की शर्ट चोरी हो गई थी और उसने जो इल्ज़ाम लगाया था उसे पता चला था ये चीटी ने चुराई है तो हाथी को कैसे पता चला कि ये चीटी नहीं चुराई है इसका जवाब आप लोगों ने दिया क्या किसी ने भाई इसका जवाब ये था कि उसी दौरान ना चीटी की बेटी की शादी थी उसकी शादी में जो पंडाल लगा हुआ था ना वो हाथी की शर्ट थी

मैंने तो नहीं बोला था तुम थे जो मुझे अपना दोस्त मान लिए थे वो ये बात बोल के अपने ऊपर से बोझ उतार लेता है वट द पैडलर फाइनली चेंज हिज इज पैडलर कैसे अपने रास्ते बदल लेता है कैसे वो चेंज हो जाता है पूरी स्टोरी आ जाएगी कि उसकी जो डॉटर थी और मास्टर थे उन्होंने उसे प्यार दिया था उसको अ, उसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया था मोहब्बत दी थी जिसकी वजह से उसका हार्ट चेंज हो जाता है वट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पैडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर द फॉर एडला विलियमसन अब अब क्या होता है कि एडला के लिए गिफ्ट में क्या क्या दे गया था एक चूहे दान दे था और तीन नोट थे जो दस दस कॉनर के वो दे गया था जो क्राफ्टर को वापस करने थे डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी दर अट्रेट शोज अ बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बीट इन टू ब्रॉट आउट बाई अंडरस्टैंडिंग एंड लव आप कैसे कह सकते हैं कि रेड ट्रेप से पूरी कहानी बता देनी है सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे प्यार मोहब्बत बदल देता है तो ऐसे बदल देता है कि रेड ट्रप पहले ऐसा था रेड ट्रेप सेलर उसके बाद ऐसा हो गया था ये हुआ था बहुत आसान सा आंसर है इसका हाउ इज द हाउ आयरन मास्टर एंड डिफरेंट सपोर्ट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट आयरन मास्टर और उसकी बेटी के एटीट्यूड में क्या क्या फर्क था भाई आयरन मास्टर के और उसकी बेटी में क्योंकि बाद में मिल लेते हैं एक्चुअली पता है मिल जाता है भागते हुए जाते तो उन्हें मिल जाता है ये क्या नाम है इसका रेड ट्रिप सेलर तो ये उस पर गुस्सा करते हैं पता करते हैं कि भाई जब पता चलता है कि ये तो चोर है तो जो आयरन मास्टर वो थी ना क्या कहते हैं आयरन मास्टर की बेटी वो उस पर गुस्सा नहीं करती वो तब भी उसके साथ कामनेस से बात करती है कहती है नहीं ठीक है नहीं जबकि उसका जो फादर होता है गुस्सा होता है तुम 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 बहरोपिय यू तुम निकल जाओ मेरे घर से ये वो इस तरीके लेकिन वो नहीं करती क्योंकि उसके अंदर दया का भाव बहुत ज़्यादा था और ये दया का भाव ही था ये मोहब्बत ही थी जिसने रेड ट्रेप सेलर को बदल दिया था ठीक है दोस्तों तो ये मोटी मोटी कहानी थी तुम्हारी रेड ट्रेप सेलर की उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया स्टिल यू हैविंग एनी डाउट कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम सो वेर यू कैन आस्क यू हैव मल्टीपल ऑप्शन ओके सो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये ये रिविजन क्लास पसंद आई होगी उम्मीद करता हूं उम्मीद करता हूं और नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा बहुत जल्द होगा बहुत जल्द होगा तो स्टे कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड अभी क्या करना है अभी क्या करना है रिवीजन क्लास देख ली ना आप लोगों ने जिसने पूरी देखी अच्छे से देखना दोबारा देखना दो तीन बार इनकी स्टोरी को कवर कर लेना और जो क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना लिख लिख कर अटैम्प्ट करने की कोशिश करना की के लिए एक अलग से क्लास कराऊंगा एक अलग से वीडियो दे दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो पोयम की भी आपकी क्लास अलग से होगी रिवीजन क्लास होगी आपकी दूसरी बुक की भी होगी तो अभी तो डायरेक्ट तो अभी जो तो नेक्स्ट होगी ना इसकी रिवीजन क्लास वो इसके बचे हुए चार चैप्टर्स की होगी वो मैं अच्छे से आपकी कंप्लीट कराऊंगा उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एफर्ट मेरी पूरी टीम का एफर्ट बहुत पसंद आया होगा और इसे बिना लाइक करें आप नहीं जाओगे दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और आगे तैयार रहें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव लव यू ऑल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए खुश रहें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें बाय